ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका। देखो, कुछ लोगों ने मॉर्निंग में कर रखा है इसको, बट फिर भी उनसे मैं कहूँगा कि आप वेट करें। ठीक है, कि न्यूटन लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं हम आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। अभी नॉन यूनिफॉर्म आज टच नहीं करेंगे, आज सिर्फ यूनिफॉर्म को टच करेंगे, और सेकंड वाले में नॉन यूनिफॉर्म को भी टच करेंगे, बट आज के लिए ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स ऐसा सर्कुलर मोशन जो बेसिकली किसी कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट मीन्स स्पीड कॉन्स्टेंट रहे पार्टिकल की, डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी। और ऐसे केसेस में न्यूटन लॉ कैसे अप्लाई करना है, तो एक ब्रीफ रिवीजन है आपका। थोड़ा सा देखो, ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पर ना वी फाउंड दैट अ पार्टिकल, कब फाउंड किया था इसको भाई? वी फाउंड मतलब इन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पीछे भी प्रूव किया गया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे करेगा, है ना, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ आपको, काइनेमेटिक्स में इसका प्रूफ है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म स्पीड v से अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जा रहा हो जिसका रेडियस r हो, तो वो एक्सपीरियंस करता है, मतलब उसको ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये काइनेमेटिक्स में प्रूव्ड है, और इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ आती थी। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बिकॉज ac इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसलिए इसका नाम दिया गया था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। उसके अलावा ये हमेशा वेलोसिटी के 90 डिग्री पर होगा। इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप रेफर करें प्रीवियस चैप्टर काइनेमेटिक्स को, काइनेमेटिक्स में इसकी प्रूविंग है, उसको आप रेफर कर लीजिएगा। वहां पर इसका सब कुछ कंप्लीट डेरिवेशन भी था कि ये वी स्क्वायर बाई आर कहाँ से आता है, कैसे डिराइव किया जाता है इसको, सेंटर की तरफ क्यों होता है ये, है ना, ये सब कुछ काइनेमेटिक्स में डिराइव्ड है। आज उसके आगे से बात करनी है हमें कि नाउ वी वॉन्ट टू नो द रीजन बिहाइंड दिस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये आपको पता लगाना है कि कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जनरेट होती है, बिकॉज न्यूटन लॉ में साफ साफ कहा गया है कि एनी एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स। ये सिंपल सा न्यूटन लॉ है, एनी एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉज्ड, दैट मीन्स उसके पीछे रीजन होना चाहिए, इज कॉज्ड बाय सम फोर्स। तो यही आपको आज चैप्टर में पढ़ना है यार, कि कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आती है। ये इस चैप्टर के अंदर एक एक करके भी आप स्टडी करोगे। फर्स्ट एग्जांपल जो हम चूज कर रहे हैं वो ये देखो आप, जो पहला एग्जांपल है यहाँ पर, इसमें ये कॉमन एग्जांपल है कि एक बॉल को सर्कुलर मोशन में हम रिवॉल्व करा रहे हैं। ठीक है ना, एक बॉल है जिसको एम मास है, और कोई पर्सन है, उसने स्ट्रिंग को एक एंड पर होल्ड किया हुआ है, और उस बॉल को हम लोग सर्कुलर मोशन में वी स्पीड पर चला रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड वी पर। ये ओवर हेड व्यू है, दैट मीन्स कि ये एक्चुअल डायग्राम जो है वो टेबल के ऊपर है। अगर आप इमेजिन करना चाहते हो कि ये डायग्राम किस टाइप का होगा, तो कुछ ऐसा डायग्राम है, ये टेबल के ऊपर है सब कुछ, मतलब वो जो बॉल है वो टेबल के ऊपर है, कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग है, और पर्सन का हैंड यहाँ पर है, तो वो बॉल टेबल के ऊपर चल रही है ऐसे, ऑन द टेबल। तो इसीलिए कहा गया ये ओवर हेड व्यू है, मतलब कोई चीज आप टेबल को ऊपर से देख रहे हो, टेबल के ऊपर के साइड से उसको देख रहे हो, तो ओवरहेड व्यू में कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा आपको, बट एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और हम ये मान के चल रहे कि जिस सरफेस पर है उस पर फ्रिक्शन जीरो है, म्यू की वैल्यू जीरो है, वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो आ रहा है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो ये बॉल है इस पर अगर आप फोर्सेस एनालाइज करो, कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर होंगी, है ना, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर एनालाइज करेंगे, तो फोर्सेस अगर आप एनालाइज करना चाहते हो एक्चुअल व्यू एक टेबल के ऊपर है, और आप जो डायग्राम राइट साइड में देख रहे हो वो एक टॉप व्यू है इसका, ऊपर के साइड से व्यू लिया गया है, टेबल को ऊपर से देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा एन ऊपर की तरफ, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी होगा, लेकिन ये एन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर चुके होंगे, तो नॉर्मल बैलेंसेस एम जी, ये आपने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, एन और एम जी बैलेंस, यानी एन इक्वल टू एम जी कह सकते हो। अब इसके अलावा कौन सा फोर्स है वो देखने वाला है, इन दो के अलावा, नॉर्मल और एम जी को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा कौन सा फोर्स है, तो उसके अलावा जो ये स्ट्रिंग है पर्सन और बॉल के बीच में, जिस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया उसको, उस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स दिखाओगे आप अंदर की तरफ, इस साइड पर एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे, और स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स आप अंदर की तरफ दिखाओगे उसको, मान लो अगर हम कैपिटल टी से डिनोट करें स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स को कैपिटल टी से, तो उसी को एफ आर कहा गया है। एफ आर और टी सेम है, मतलब टी लिख दो, या इस बुक में तो इसको एफ आर था, जहां पर ये इमेज मैंने ली है वहां से तो ये एफ आर है, बट वैसे हम लोग इसको टी लिखते हैं, टी मतलब टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सर्किल के सेंटर की तरफ है, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन सर्किल की सेंटर की तरफ, सी पॉइंट की तरफ आ रहा है, और यही चीज पीछे कहा गया आपसे
ये आपसे पूछा गया है कि वी वांट टू नो द रीजन बिहाइंड द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कौन से फोर्स की वजह से होगा। तो इसका आंसर यहीं पर है, इस बॉडी में टोटल तीन फोर्सेस लग रही हैं, टोटल तीन फोर्सेस हैं इसके ऊपर, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और उसके अलावा टेंशन फोर्स। ये तीन फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर काम कर रही हैं। उनमें से आपको ये बताना है, उन तीन में से आपको ये बताना है कि कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का कॉज बनता है, मतलब नॉर्मल की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, या फिर mg की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, या फिर वो जो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है उसकी वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है। तो इसका आंसर न्यूटन सेकंड लॉ में ही दे रखा है आपको कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये न्यूटन सेकंड लॉ में क्लियरली कहा गया, और इसको कई बार हम लोगों ने ये कहा है, कई बार इस चीज को रिपीट किया है कि जो आप राइट साइड पर एक्सेलरेशन वेक्टर है और लेफ्ट साइड पर जो फोर्स वेक्टर है ये हमेशा पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, सेम डायरेक्शन के वेक्टर होने चाहिए। यानी आप ये भी कह सकते हो, इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन का जो कॉज होगा, कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, वो हमेशा उसी के पैरेलल डायरेक्शन का कोई फोर्स होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्सेलरेशन किसी भी न्यूमेरिकल में, चाहे वो सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल हो, चाहे आप नॉर्मल मोशन का न्यूमेरिकल कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आपको, किसी भी एक्सेलरेशन के लिए उसकी जो कॉज होगी, उसकी जो रीजन होगी, वो हमेशा उसके पैरेलल डायरेक्शन का कोई फोर्स होना चाहिए। एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू द एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में स्पेशल बात यह है आपकी कि जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, जो कि सर्किल के सेंटर की तरफ है, टुवर्ड सेंटर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। और न्यूटन लॉ बार बार कहते हैं कि चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करिए, चाहे सर्कुलर मोशन की बात कर लें, चाहे फिर आप किसी और कर्व की बात कर लें, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स वही रीजन हो सकता है बिहाइंड द एक्सेलरेशन। और अब आप इस स्टेटमेंट को सुन करके और यहाँ पर फॉलो करके देखो, आप इसके अंदर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है काइनेमेटिक्स के थ्रू काइनेमेटिक्स एक्सेलरेशन इसका टुवर्ड सेंटर है, ये टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। और इन तीन फोर्सेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फोर्स ए के पैरेलल है, क्या नॉर्मल ए के पैरेलल है या एमजी पैरेलल है, तो टेंशन पैरेलल टू ए है ना, टेंशन इज पैरेलल टू ए, तो इसी टेंशन को, जो आपके ए के पैरेलल फोर्स है ना, इसी टेंशन फोर्स को आप क्या कर दीजिए, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ए कर दो, और वहां पर ए को इस रिलेशन से रिप्लेस कर दीजिए। एफ इक्वल टू एम ए ही लगा रहे हो आप, फिर से वापस एफ इक्वल टू एम ए लगा रहे हो, बट इस बार सिर्फ एक काम ये कर रहे हो, एक्सेलरेशन को आप रिप्लेस करोगे बाय द रिलेशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यानी यहां पर ए की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिख देंगे टी इक्वल टू एम, और a को सब्स्टिट्यूट करके कह देंगे v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, बस ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, t इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ये इसकी इक्वेशन है। मतलब इस चैप्टर में मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ आपसे कि कई सारे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी, पहले बता रहा हूँ प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, लेकिन जो लोग समझ जाएंगे इस बात को, डे वन से मैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर चल रहा हूँ, डे वन से न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए में, डे वन से मैं एक ही बार 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 कह रहा हूँ, राइट साइड पर जो ए है और लेफ्ट साइड पर जो एफ है वो पैरेलल डायरेक्शन के रखिए, हमेशा ऑलवेज पैरेलल डायरेक्शंस, कभी नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। स्ट्रेट लाइन मोशंस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको न्यूमेरिकल में दिया जाता है, सर्कुलर मोशन में आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताई नहीं जाती है, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ रखा होगा, ये उम्मीद करते हैं आपसे और आपको ये जानकारी होगी। सर्कुलर मोशन में कभी भी आपको नहीं बताया जाएगा कि एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट हमेशा करते हैं कि आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी है, वहां पर ये डेरिवेशंस करी होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर है। और हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी सिग्मा एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही यूज कर रहे हैं, एफ इक्वल टू एम ए ही लगा रहे हैं, सिर्फ ए को रिप्लेस कर दिया जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर से, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये स्ट्रिंग टूट जाए, मान लो जैसे ये जो स्ट्रिंग जहां से ये कनेक्टेड है, अगर ये स्ट्रिंग किसी मोमेंट पर टूट जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब यहाँ पर ये ब्रेक कर जाए, तो ब्रेक करने के बाद जब ये स्ट्रिंग यहाँ पर ब्रेक कर जाएगी तो क्या ब्रेक करने के बाद भी आप इसको सर्कुलर मोशन करा पाओगे, या फिर ब्रेक करने के बाद कुछ और किसी और तरीके का मोशन जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, और बहुत कॉमन अलग मोशन हो जाएगा, टेंजेंशियल मोशन, राइट।
राइट अब इसको पढ़ो यहाँ पर लेफ्ट साइड, ये बड़ी कॉमन एक्टिविटी है, मतलब एक ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने लिया है बहुत ही कॉमन, ठीक है आप लोग, कि देखो अ फोर्स कॉजिंग अ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, आप बार बार एक पॉइंट समझिएगा, फिजिक्स कॉज एंड इफेक्ट हमेशा कहा गया है, साइंस पढ़ रहे हो आप, कुछ अगर कोई इफेक्ट है तो उसके पीछे वजह भी होगी, बेवजह कोई बात नहीं होती, फोर्स कॉजिंग सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन acts towards the center of circular path and causes a change in the direction of velocity vector. Causes a change in direction of velocity vector. Okay. Agar, if that force vanish, matlab gayab ho jaye wahan se, agar hat jaye wo force, the object would no longer move in the circular path and instead it will move along the straight path. Yani isko dusre way mein aap kya keh sakte ho yaar, isi line ko dusre tarike se agar kaha jaye ki agar aap circular motion sustain karna chahte ho, इसी बात को देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो आप नो लॉन्गर मूव इन द सर्कुलर पाथ, इंस्टेड इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। इसी बात को आप दूसरे तरीके से कह दो, इसी बात को दूसरे तरीके से ऐसे कह दो कि इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्किल, इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्किल क्या चाहिए आपको यहाँ पर, इसी बात को दूसरे तरीके से करें अगर, फोर्स towards the center is always required, आप ऐसे भी कह सकते हो, a force towards the center is needed. Same, ऊपर जो पैराग्राफ लिखा ना, इसी पैराग्राफ को सिंपल लाइन में कंक्लूडिंग लाइन के अंदर कह दिया गया, उस पैराग्राफ का कंक्लूडिंग लाइन आप ऐसे कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन अगर आप करना चाहते हो तो आपको सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, तो पहले कौन सा फोर्स था जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा था और ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रिंग ब्रेक करने के बाद वो स्ट्रेट पाथ पे चला गया, तो जब तक ये स्ट्रिंग थी, हाँ जब तक ये स्ट्रिंग थी तब तक, जब तक स्ट्रिंग थी तब तक टेंशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर था, अब ये स्टेटमेंट हो गया, इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्किल अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज ऑलवेज नीडेड, यस सो देयर इज अ टेंशन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड दैट इज व्हाई द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव ऑन द सर्किल। उसी को आगे कहा गया है, In order to move in a circle, a force towards center is needed. और अगर ये need fulfill नहीं होती है, अगर आपकी ये need fulfill नहीं होती है, तो इसका मतलब circular motion नहीं होगा, then it is straight line path या फिर कोई और motion हो जाएगा यहाँ पर। यानी इसीलिए जब आप string break करते हो, तो आप tension force zero हो जाता है, और जब tension zero हो गया, यानी कि now there is no force towards center, and in the absence of force towards center, circular motion तो होगा नहीं कभी, straight line motion possible हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको भी? बेसिक पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, बेसिक पॉइंट राइट। इसी में एक बहुत बेसिक एग्जांपल दें अगर आपको ना, एक बेसिक फंडामेंटल आपको एग्जांपल, एक नेचुरल केस अगर आपको ले, देखो नेचुरल, जी बताएं। सर अगर यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी वो स्ट्रेट पाथ पे फॉल करेगा ना? देखो एक नेचुरल केस में आप बेसिकली बात करेंगे, तो नेचुरल केस में हम ये कहते हैं कि जो सैटेलाइट्स की बात की जाए अगर ना, या फिर प्लैनेट्स की बात की जाए, दोनों ही केसेस में नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कर सकते हो या फिर प्लैनेट्स की बात कर सकते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर हम अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट को मूव कराते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर को हल्का सा पार्ट टच करेंगे इसमें यार, कि मान लें अर्थ है और उसके चारों तरफ आपने कोई एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है मान लो, और उस सैटेलाइट का कुछ मास स्मॉल m है और वो रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट, अभी रिसेंटली सबसे जो लेटेस्ट मिशन था हमारा गवर्नमेंट का मून वाला, तो उसमें आप कह रहे हो कि ठीक है लैंडर तो फेल कर गया था लेकिन जो उसके आस पास रिवॉल्यूशन चल रहा है उसका ऑर्बिटर्स, नाम उसका ऑर्बिटर ही है, ऑर्बिट के अंदर वो करीब 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है उसके, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ यार, देखो मान लो अगर ये नेचुरल केस है कि अगर आर रेडियस के अंदर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और ऑर्बिट में है, अपनी ऑर्बिट में है, प्रॉपर ऑर्बिट में है, तो क्या स्पीड रही होगी इसकी, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, आपका क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, देन आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, मतलब ये कितनी देर लगाएगा एक ऑर्बिट को पूरा करने में टाइम पीरियड, तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट आप अच्छी तरीके से देख लो, ये नेचुरल एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, आप उसके बाद हम आएंगे अभी मैन मेड एग्जांपल्स पर भी आएंगे, बट ये तो नेचर के एग्जांपल्स है जहाँ सर्कुलर मोशन होते ही होते,
सैटेलाइट्स का एग्जांपल, प्लैनेट्स का एग्जांपल, तो इनमें आपको ना ये स्टेटमेंट बस फॉलो करना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट फॉलो करिए, इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज नीडेड। तो हमारी इस नीड को वहां पर कौन फुलफिल कर रहा होगा, मतलब स्पेस में इन अ फ्री स्पेस अपने आप समझोगे, क्योंकि सैटेलाइट तो फ्री स्पेस में, वहां कोई रस्सी वस्सी तो है नहीं कि टेंशन लग रहा होगा, वहां कोई सरफेस नहीं है कि फ्रिक्शन लग रहा होगा, वहां कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि नॉर्मल लग रहा होगा, वहां कोई स्प्रिंग नहीं है। तो फ्री स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर सकता है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आप दिखाते हो, जिसकी वैल्यू न्यूटन लॉ के अंदर दी गई है कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, कैपिटल एम अगर आप अर्थ के मास को मान ले और स्मॉल एम उस सैटेलाइट के मास को मान ले, तो जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आपको जानते हो क्या कर रहे हैं, अब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बस फॉलो करिएगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा हो ना, आपको ये स्टेटमेंट फॉलो करना है कि एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्री स्पेस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है, रेजिस्टेंसेस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो जो ये फोर्स है, और काइनेमेटिक्स क्या कहता है आपसे, काइनेमेटिक्स ये कहता है कि क्योंकि ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, ये काइनेमेटिक्स कहता है आपसे। काइनेमेटिक्स कहता है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, और न्यूटन लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन और फोर्स जब एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप सिर्फ न्यूटन लॉ फॉलो करिए और कह दीजिए कि एफ इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो यहां पर फोर्स को रिप्लेस करोगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से, और एम मतलब वो वाला मास जो ऑर्बिट में है, मास इन द ऑर्बिट, कौन सा मास हमारा ऑर्बिट में चल रहा है, यानी कौन सा मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अर्थ का मास पुट करेंगे या फिर सैटेलाइट का मास पुट करेंगे, इसके अंदर आंसर हुआ सैटेलाइट का स्मॉल एम। हाँ, और ए को आप सिर्फ रिप्लेस करोगे यहाँ पर बी स्क्वायर बाय आर। जी, इसको कुछ लोग ये समझ लेना कि आप सर्कुलर मोशन में कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया काम कुछ कर रहे हो, अभी भी आप एफ इक्वल टू में लगा रहे हो। नया काम सिर्फ इतना है कि ए वी स्क्वायर बाई आर लिखा जाएगा और कुछ नहीं करना हमें, सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है। नाउ ये मासेस कैंसिल, यहां से आपको मालूम चल जाता है कि वी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, दिस इज ऑर्बिट, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं इसको। ये आपका वैसे तो चैप्टर आगे आता है, ग्रेविटेशन चैप्टर आगे पढ़ोगे उसमें बताएंगे आपको ये, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ पर मैं इसलिए टच कर रहा हूँ बिकॉज बेसिकली सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है ये, तो आगे से हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये मतलब इतनी स्पीड से वो ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा, और स्मॉल आर उसका ऑर्बिटल रेडियस है जो कि अर्थ के सेंटर से लिया जाएगा, स्मॉल आर अर्थ के सेंटर से, इसका जरा ध्यान रखना आप क्वेश्चंस में। और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल टी, और कैपिटल टी विच इज टाइम ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, ये है इसका मतलब, एक ऑर्बिट पूरा करने का टाइम, टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट कैसे निकाल सकते हैं, तो सीधा सा लॉजिक है अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक ऑर्बिट का मतलब उसने टोटल सर्कमफेरेंस कवर किया होगा 2πr डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो टाइम पीरियड विल बी 2πr स्मॉल r एंड डिवाइडेड बाय स्पीड व्हिच इज रूट ऑफ g कैपिटल m अपॉन स्मॉल r, और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड t विल बी 2πr अपॉन स्क्वायर रूट कैपिटल g m एंड दिस r टू द पावर 3/2। दिस एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, चेक कर लेना इसको आप, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कि मतलब इतनी देर में एक चक्कर वो सैटेलाइट कंप्लीट कर लेगा। हाँ जी प्रणव, और ये बेसिकली मतलब हाँ केपलर लॉ का प्रूफ भी है कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो आर क्यूब के प्रपोर्शन में चला जाता है। हालांकि केपलर लॉ का एक्चुअल प्रूफ हम आगे करेंगे वो इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए है, ये सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ रहे हो आप, केपलर लॉ का रियल प्रूफ जो है, हाँ नहीं देव ये बात तो सही है कि इलेप्टिकल मोशन पढ़ेंगे, केपलर लॉ जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं इलेप्टिकल मोशन करके, ये सर्कुलर मोशन चल रहा है अभी आपका। रियलिटी ये है कि कोई भी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, रियलिटी ये है कि सब ओवल शेप के ऑर्बिट है, यानी कि इलेप्टिकल ऑर्बिट। हाँ जी देव भाई, एरिया स्वीप वाला, बट एनीवे फिर भी आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, आई मीन कि ये हो गया।
अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं यार, डेरिवेशन तो समझ में आ गए कि कैसे होगा। यानी अगर आप ये कहा जाए कि मान लो किसी दिन ऐसा हुआ somehow, ये कभी होगा नहीं देखो, मतलब टोटली अनरियलिस्टिक बात बोल रहा हूँ, बट मान लेते हैं somehow अर्थ ने ग्रेविटेशन का फोर्स लगाना कभी बंद कर दिया तो क्या होगा? ये वही बात हो गई कि अगर वो स्ट्रिंग जिसके पे पत्थर बांध करके आप घुमा रहे थे, अगर वो स्ट्रिंग टूट जाए तो क्या होगा? तो टूटने के बाद सर्कुलर मोशन तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हम। स्ट्रिंग ब्रेक करने के बाद आप सर्कुलर मोशन को सस्टेन नहीं कर पाओगे, अब आप स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले जाओगे। तो ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि समहाउ अर्थ सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर दे अगर, तो क्या कंसिक्वेंस होगा? क्या वो सैटेलाइट चक्कर लगा पाएगा इसके चारों तरफ? सर ये वो एस्केप वेलोसिटी वाला भी कांसेप्ट है? नहीं, ये एस्केप वाला नहीं है, ये एस्केप वाला कांसेप्ट नहीं है सर। इस मंदिर का फोर्स लगने बंद हो जाएगा तो फिर वो टेंजेंशियल पाथ पे स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन हालांकि ये होगा नहीं, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी बंद नहीं हो सकती कभी भी, वो एक नेचुरल फिनोमेना है तो वो कभी स्टॉप नहीं होगा। मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। हाँ, इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, आपको बता दें। एक, ऑर्बिटल स्पीड जो आपने कैलकुलेट की है वो सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है। सबसे मेजर पॉइंट इसका ये है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम है, जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसके उस पे नहीं डिपेंड कर रहा। एंड इवन टाइम पीरियड भी इंडिपेंडेंट है उस सैटेलाइट के मास के। यानी कि आप चाहे हैवी सैटेलाइट लॉन्च करें चाहे लाइट सैटेलाइट लॉन्च करें, अगर ऑर्बिट का रेडियस सेम है तो वो सब सेम स्पीड पर चलेंगे और सेम टाइम पीरियड पर रिवॉल्व करेंगे। सेम स्पीड सेम टाइम पीरियड। अदरवाइज इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस स्टेटमेंट को जो मैंने बोला है, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ चीजें ऑब्जर्व क्या करने वाली होती है, बेसिकली इनके बहुत ही यूनिक एप्लीकेशंस हैं, मतलब रियल लाइफ में इनके यूनिक एप्लीकेशंस भी हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लें अगर आप अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में कोई दो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान लें, अगर सेंटर वाले को हम अर्थ मान रहे हैं यार, ठीक है ना, सेंटर वाले को अर्थ मान लीजिए और बाहर वाला ऑर्बिट मान लें, और हम इमेजिन करें कि दो सैटेलाइट्स हैं उस ऑर्बिट के अंदर, एक S1 सैटेलाइट और एक S2 सैटेलाइट, दो सैटेलाइट्स हैं, और दोनों सैटेलाइट्स आपस में कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ये आपको मानना है, दोनों सैटेलाइट्स आपस में कोई फोर्स नहीं लगाने। नहीं नहीं देव, एक मैं सुनो तो मेरी बात, दोनों सैटेलाइट्स एक और काम करते हैं। देखो अभी मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तुम लोग सुनने से पहले एक्चुअली आंसर देते हो ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है हमें भी और आपको भी। एनीवे देखो, अभी आपको समझाते हैं इसको, रुको। अभी हम क्या कह रहे हैं कि दो सैटेलाइट सेम ऑर्बिट में हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि दोनों सैटेलाइट्स का आपस में फोर्स आप नेग्लेक्ट करिए, ये भूल जाओ कि सैटेलाइट वन सैटेलाइट टू पर कोई फोर्स लगा रहा है या सैटेलाइट टू सैटेलाइट वन पर कोई फोर्स लगा रहा है, इसको नेग्लेक्ट करना है मुझे। तो दोनों सैटेलाइट्स अगर सेम ऑर्बिट में हैं, सेम ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही ऑर्बिट में हूं आप, तो जिस स्पीड से सैटेलाइट वन चल रहा होगा, अगर ये मान लो वी स्पीड पे चल रहा है, तो सैटेलाइट टू भी उतनी ही स्पीड पे चलेगा, भले ही सैटेलाइट टू हैवी सैटेलाइट है और सैटेलाइट वन लाइट सैटेलाइट होगा, हल्का और भारी उससे फर्क नहीं पड़ता, अनलेस वो सेम ऑर्बिट में है तो, क्योंकि रेडियस आता है आंसर में, स्मॉल आर इन्वॉल्व है। अगर ऑर्बिट का साइज अलग है, एक छोटे ऑर्बिट में है एक बड़े ऑर्बिट में है, तो उनकी स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन अगर आप सेम ऑर्बिट यानी कि सेम स्मॉल आर, तो कैपिटल जी और कैपिटल एम तो कांस्टेंट वैल्यू हुई इस हिसाब से। तो शिवांश अपना ही कंसेप्ट बना रहे हैं, तुम लोग जो कहा जाएगा उसको सुनोगे ही नहीं। सैटेलाइट्स इन द सेम ऑर्बिट ट्रेवल विद द सेम स्पीड एंड द सेम टाइम पीरियड, सैटेलाइट वन का भी टाइम पीरियड कैपिटल टी, सैटेलाइट टू का भी टाइम पीरियड कैपिटल टी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर वो सेम रेडियस में है तो। हाँ, अगर वो अलग रेडियस में है, मतलब कोई सैटेलाइट ज्यादा बड़े रेडियस में है, कोई सैटेलाइट अगर बिगर रेडियस में है, मान लो आपका, मान लो कोई S3 सैटेलाइट मान लीजिए जिसका रेडियस ही ज्यादा है, तो अब आप कह सकते हो कि जितना बड़ा रेडियस हुआ, स्मॉल आर अगर ज्यादा है तो करस्पॉन्डिंगली वी कम हो जाएगा, और स्मॉल आर ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ज्यादा होगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो स्मॉल आर ज्यादा होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट 3 का मोशन जो होगा वो स्लो होगा, मतलब इसकी स्पीड अगर आप कहें वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 3, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 1 एंड वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 2, तो इनके ऑर्डर्स ये हो जाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 3 इज लेसर एंड देन वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 1 इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 2, ये आप कह सकते हो। लेकिन टाइम पीरियड के केस में,
टाइम पीरियड एस थ्री वाले का ज्यादा होगा बिकॉज टाइम पीरियड प्रपोर्शन में है आर टू दी पावर 3/2 के, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, और उससे फिर कम टाइम पीरियड होगा सैटेलाइट वन का, और वो सैटेलाइट टू के टाइम पीरियड के बराबर कर सकती है उसको, ये रिजल्ट आएगा। प्रणव जी स्पीड कंपेयर की है यार, स्पीड कंपेयर की ऊपर, यस सर यस सर, ऑर्बिटल स्पीड कह रहे हैं इसको हम, ऑर्बिटल स्पीड लिखा है यहाँ पर, देखो ऑर्बिटल स्पीड का कंपेयर हो सकता है टाइम पीरियड कंपेयर। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की तरह है, मैं बेसिकली आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की हेल्प कर रहा हूँ कि आप सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हो कि कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फास्ट होता है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्लो होता है। अगर आप इसको एटम से कंपेयर करना चाहते हो तो अर्थ की जगह न्यूक्लियस मानेंगे और सैटेलाइट्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। तो क्या ऐसा नहीं होता कि सेम ऑर्बिट के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड पर चलते हैं? यस सर, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो कि एक ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो क्या दोनों अलग सेम स्पीड पर चलते हैं? यही तो मैं यहाँ पर आपसे सैटेलाइट के बारे में बोल रहा हूँ कि एक ही ऑर्बिट में दो सैटेलाइट्स होंगे तो सेम स्पीड पर चलेंगे, लेकिन अगर हायर ऑर्बिट्स में कोई सैटेलाइट जा रहे हो, जितनी ज्यादा हाइट पे चलते जाओगे आप, ऑर्बिट का रेडियस इतना बड़ा करते जाओगे, सैटेलाइट स्पीड उतनी कम होती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी इससे कंपेयर कर सकते हो, सैटेलाइट मोशन को भी कंपेयर कर सकते हो, और ये दो बेसिक डेरिवेशन भी आपको करा दी। अगर किसी के स्कूल में ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो ये रिजल्ट आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, आता ही आता है, डिराइव करने को हमेशा आता है, छोटा डेरिवेशन है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एक नेचुरल एग्जांपल मैंने सर्कुलर मोशन का लिया है, प्लेनेटरी मोशन, सैटेलाइट मोशन और इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, बेसिकली ये कह सकते हो। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, देखो अभी तक के डिस्कशन का ना, आगे बढ़ने चैप्टर में आप आगे बढ़ो उसके पहले कुछ कंसेप्ट है, और ये मैं आपको लिस्ट भेजूंगा जरूर, लेकिन यहाँ पर क्या है, जानबूझ करके इस तरीके से सब कुछ फ्रेम्ड है, ये इस तरीके से इसलिए फ्रेम्ड है कि तुम में से कई सारे लोग जो है ना, मतलब वो अपने इधर उधर पढ़ने के बाद, स्कूलों में पढ़ा, कहीं किताब से पढ़ लिया, कहीं इधर उधर पढ़ लिया, कहीं यूट्यूब पर देख लिया, और उल्टी सीधी जगहों से पढ़ पढ़ के अपना कंसेप्ट बना लिया, और वो कंसेप्ट ये बना लेते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स नाम की कोई चीज होती है। वो ये कह देते हैं कि सर्कुलर मोशन में बॉडी के ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, इस तरीके के कंसेप्ट जो उल्टे सीधे बना रखे हैं लोगों ने। तो उसके लिए ये पूरा ये जो पेज है ये उसी डाउट को रिमूव करने के लिए है। द फोर्स कॉजिंग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रिपिटल फोर्स, लाइन में ही दम है आपका पूरा, इस लाइन में ही सब कुछ बोला जा रहा है आपका। द फोर्स कॉजिंग सेंट्रिपिटल इज कॉल्ड एज ए सेंट्रिपिटल। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे अभी इसके पहले जो न्यूटन लॉ इतने दिनों से चल रहा है आपका ना, तो वी आर फेमिलियर विद द वेराइटी ऑफ फोर्सेस इन द नेचर लाइक फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, इसके पहले आप ये सब कुछ पढ़ते चले आए हो। मेरा क्वेश्चन है, शुड वी ऐड सेंट्रिपिटल फोर्स टू दिस लिस्ट? नो सर। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल लगता है, फ्रिक्शन लगता है, ग्रेविटी लगता है, टेंशन लगता है, तो क्या हम ये कह दें कि सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है? नहीं सर। क्लियर है, बिग नो लिखा है इसमें। सेंट्रिपिटल फोर्स फोर्सेस की लिस्ट में ऐड नहीं होता, मतलब ये फोर्स नहीं है, ये नाम है सिर्फ, कॉल्ड एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स। इसको आप ये मत समझ देना कि ये नॉर्मल की तरीके से एक लिस्ट में नया मेंबर आ गया, फोर्स की फैमिली में कोई नया मेंबर आया, कुछ नहीं, फैमिली उतनी बड़ी अभी भी उसकी। फोर्सेस में अभी भी आप फ्रिक्शन दिखाओगे, ग्रेविटी दिखाओगे, नॉर्मल दिखाओगे, टेंशन दिखाओगे, और अगर स्प्रिंग आ जाएगी तो स्प्रिंग दिखाओगे। इनके अलावा अभी अभी अभी, अभी हम लोगों को क्लास 11th के लेवल पर इससे ज्यादा फोर्सेस नहीं दिखानी है मुझे, मतलब हमारे लिए फोर्स का मतलब, हमारे लिए अभी इस स्टेज पर, आगे की बात नहीं कर रहे, इस स्टेज पर फोर्सेस में अभी आपके लिए सिर्फ पांच हैं, अभी आपके लिए फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन और जरूरत पड़ने पर स्प्रिंग। स्प्रिंग को यहाँ पर इसलिए यूज नहीं किया है कि मैक्सिमम केसेस में स्प्रिंग हम लोग यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर केसेस में स्प्रिंग को यूज नहीं करते, ठीक है जी, ज्यादातर केसेस में स्प्रिंग को हम यूज ही नहीं करते हैं। और अभी किसी ने बॉयंसी का नाम ले लिया, पगलाओ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो अभी आपको सिर्फ ये पांच फोर्स कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई नाम ना ले आप, ये अपनी नॉलेज अभी अपने पास रखिए आप लोग, कि बॉयंसी लगता है तो ये लगता है तो वो लगता, अभी कुछ नहीं करना हमें। मैंने अभी क्या बोला, इस स्टेज पर, अभी आपकी स्टेज क्लास 11th की अर्ली स्टेज है, अभी हम आपसे कहेंगे ना कि बॉयंसी क्या होता है, तो अभी आप उसको भी नहीं बता पाओगे कि बॉयंसी क्या होता है। अभी सुनो बच्चा, अभी कह दीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा दीजिए तो आपको वो भी नहीं पता होगा, आप पढ़ दोगे, रीडिंग कर दोगे, जो किताब में लिखा है उसको रीड कर दोगे, बट वो एक्चुअल आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ही नहीं,
तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि ये सब चीजें थोड़ा सा वेट करें, कंफ्यूजन ना रखें आप। बॉयंसी अभी जैसे आपने लिखा है तो बॉयंसी मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि बॉयंसी नॉर्मल फोर्स का ही दूसरा नाम है। बॉयंसी कोई नया फोर्स है ही नहीं, वो नॉर्मल फोर्सेस के रिजल्टेंट का नया नाम है। और मैं इसलिए नहीं टच करना चाह रहा हूँ कि फिर कंफ्यूज कर जाओगे यार ये कौन सी बात हो गई। देखिए फोर्सेस जो आपके सामने आएंगे वो यही आएंगे, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, इनके नाम बदलते रहेंगे। कहीं पर आप इनको बॉयंसी का नाम दे दीजिएगा, कहीं पर इनको रेजिस्टेंस का नाम दे देना, कहीं कुछ नाम दे देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एट दिस स्टेज इन आवर लिस्ट ऑफ फोर्सेस वी हैव ओनली 5 मेंबर्स, इनके अलावा छठा फोर्स आपके पास नहीं है, और ना आप उस तरफ अभी दिमाग लगाओ, अपने आप को सिंपल रखो। हाँ पूछो, आप क्या पूछ रहे थे, डाउट पूछे अपना। सर वो जो फर्स्ट लाइन में समटाइम्स लिखा है सर, वही वो बता दीजिए ऑलवेज क्यों नहीं है? सर नहीं, क्योंकि देखो ऑलवेज इसलिए नहीं है कि हमारी कंट्री में लिखा जाता है यार, सब लोग नहीं बोलते इसको। देखिए कई जगहों पर ये कहा जाता है कि टेंशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो एक्चुअली ये बताओ अभी आपने ऑर्बिटल स्पीड का पूरा डेरिवेशन कर लिया, मैंने कहीं सेंट्रिपेटल फोर्स का नाम लिया आपसे? नहीं सर। इसका मतलब नो सर, तो बिना सेंट्रिपेटल फोर्स नाम दिए भी तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम yes, क्यों yes, sir. हम नाम देके कंफ्यूज कर रहे हैं ना उसको। yes, sir. हम तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रिपेटल के, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, और उसमें ए को रिप्लेस किया है मैंने वी स्क्वायर बाई आर से, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं सेंट्रिपेटल फोर्स का नाम ही नहीं लेता कभी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहते हो बिना सेंट्रिपेटल को यूज किए हुए, तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि फोर्सेस बना लो, और जो फोर्स सर्किल के सेंटर की तरफ दिख जाए तुमको उसको इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके और ए को रिप्लेस कर देना वी स्क्वायर बाई आर से, क्या जरूरत है सेंट्रिपेटल बोलने की। इसलिए मैंने लिखा है समटाइम्स वाला, और इसीलिए बोल रहा हूँ भी आपको क्योंकि आपके बुक में भी लिखा है, स्कूल वाले भी पढ़ा रहे, मतलब लोगों को पता नहीं क्या मजा आती है सेंट्रिपेटल पढ़ाने में, हमें आज तक नहीं समझ में आया ऐसा क्या उनको सेंट्रिपेटल फोर्स बोल देने से मजा मिल जाती है इसमें। अनवर एक मिनट रुकिए अभी, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये 5 फोर्स है, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन एंड स्प्रिंग। शुड वी एड सेंट्रिपेटल फोर्स टू द लिस्ट? आंसर है नो। क्यों? देखिए गिविंग द फोर्स कॉजिंग सर्कुलर मोशन अ नेम सेंट्रिपेटल फोर्स, गिविंग द फोर्स कॉजिंग सर्कुलर मोशन अ नेम, नाम दे रहे हो ना किसी को आप, तो आप नाम तो उसको ही दोगे ना जो एग्जिस्ट करेगा, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको कैसे नाम दोगे आप। नाम दे रहे हैं भाई साहब आप एक ऐसे फोर्स को जो सेंट्रिपेटल, जो एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, उसका नाम दे दिया है आपने सेंट्रिपेटल, एंड लीड्स मेनी स्टूडेंट्स टू कंसीडर इट एज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स रेदर देन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, न्यू रोल ऑफ फोर्स है, न्यू काइंड, नया फोर्स नहीं है, उस फोर्स की नया, उस फोर्स का नया रोल है। फोर्सेस अभी भी हमारे पास फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, नॉर्मल है, टेंशन है और स्प्रिंग है, बस 5, किसी भी न्यूमेरिकल में इस 5 के अलावा कोई फोर्स नहीं दिखाएंगे। हाँ छठा फोर्स आप दिखा सकते हो अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व हो गया और पर्सन किसी बॉडी को पुश कर रहा हो तो पर्सन का फोर्स आ जाएगा, छठा फोर्स मान लीजिए, बट उसके अलावा किसी भी न्यूमेरिकल में क्लास 11th की स्टेज में इन 6 के अलावा कोई फोर्स आप ना दिखाइए। आप चेकलिस्ट तैयार कर लो अपनी, मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल करने के लिए आप एक चेकलिस्ट बनाओ। आपकी चेकलिस्ट में क्या होता है, आप किसी ट्रेवल पे जाते हो तो चेकलिस्ट होती है, आप सारा सामान चेक करते हो, तो चेकलिस्ट में MG आएगा, नॉर्मल आएगा, T आएगा, फ्रिक्शन आएगा, स्प्रिंग का फोर्स आएगा, और कोई एक्सटर्नल अगर बॉडी पर पुश है या पुल है तो ये, बस यही फोर्स है, यही फोर्सेस की चेकलिस्ट है, इसमें कोई नया मेंबर कभी ऐड ना कर देना। अभी देखो स्यूडो फोर्स, किसी ने बोला स्यूडो फोर्स, हमने आपको बताया था कि स्यूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, वो फ्रेम की च्वाइस पे डिपेंड करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे स्यूडो फोर्स लगेगा, इनर्शियल फ्रेम में जाते हो स्यूडो फोर्स नहीं लगता है, तो वो मैंने आपसे कहा था कि वो आपकी अपनी च्वाइस होगी। तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि न्यू काइंड ऑफ द फोर्स रदर देन अ न्यू रोल ऑफ द फोर्स, अ कॉमन मिस्टेक, अब सुनो यहाँ पर बता रहे अभी आगे क्वेश्चंस भी है इसके ऊपर, अ कॉमन मिस्टेक इन द फोर्स डायग्राम इज टू ड्रॉ ऑल द यूजुअल फोर्सेस, यूजुअल फोर्सेस कौन सी, मतलब
यूजुअल फोर्सेस में कौन कौन सी बात कर रहा हूँ, यूजुअल फोर्सेस का मतलब होता है ये जो चेकलिस्ट में लिखा आपने, इनको कह रहे हैं आपसे ये आपके यूजुअल फोर्सेस हैं। मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं कि एम जी भी दिखा दिया, नॉर्मल भी दिखा दिया, टेंशन भी दिखा दिया, फ्रिक्शन दिखा दिया, इनमें से जो जो थे वो दिखा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एड अनदर वेक्टर फॉर द सेंट्रिपेटल फोर्स, कहते हैं कि एक एम वी स्क्वायर बाई आर भी लगेगा। That is common mistake. और मैं कह रहा हूँ बट इट इज नॉट अ सेपरेट फोर्स, इट इज सिंपली वन और मोर ऑफ आवर फैमिलियर फोर्सेस। फैमिलियर फोर्सेस का मतलब वही जिनको आपने चेकलिस्ट में रखा हुआ है, जो आपके चेकलिस्ट के फोर्सेस है उनमें से ही कोई फोर्स होगा एक्टिंग इन द रोल ऑफ फोर्स दैट कॉजेस सर्कुलर मोशन। अब आपको समझाते हैं इसको एग्जाम्पल लेकर के, इस बात को समझो कि कंफ्यूजन कहाँ पर है, मतलब प्रॉब्लम क्या है लोगों की, क्यों मिस्टेक हो रही है, वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट फिगर में। कोनिकल पेंडुलम का एक एग्जांपल है हमारे पास, तो कोनिकल पेंडुलम क्या है, ये आप फिगर देख करके समझ सकते हो कि एक एम मास की बॉडी को आप रिवॉल्व कर रहे हो, एम मास की बॉडी को रिवॉल्व कर रहे हो। अब आप देखो, अगर कोई आपसे कहे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा आप बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मुझे इस मास का ड्रॉ करना हो तो देखिए क्या है, आप अपनी चेकलिस्ट हमेशा अपने सामने रखा करो, न्यूमेरिकल जब भी करिए चेकलिस्ट रखो आप और एक एक करके टिक करते चले जाओ, एम जी टी नॉर्मल फ्रिक्शन एफ एस मतलब स्प्रिंग और कोई एक्सटर्नल पुश और पुल कर दीजिए आप, ये चेकलिस्ट है, एक एक करके देखते जाओ, एक एक करके बनाते जाओ, तो कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फोर्स आप मिस नहीं करोगे। अदरवाइज रैंडम तरीके से बनाने में क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स आपसे छूट जाता है, बाद में मालूम चलता है आंसर देखने के बाद, अरे यार टेंशन लेना तो भूल ही गए, यार ये वाला नॉर्मल रह गया, ओह एम जी नहीं देखा हमने, इस तरीके की मिस्टेक आती है आपकी। तो चेकलिस्ट के हिसाब से चलो, सबसे पहले एम जी, ठीक है एम जी दिखाते हैं अपनी चेकलिस्ट में, और चेकलिस्ट में एक एक फोर्स दिखाते जाइए, उसको कैंसिल करते जाइए, एम जी डन। टेंशन फोर्स, तो हाँ टेंशन फोर्स लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, तो टेंशन दिखा दिया, टी डन। नॉर्मल, तो नॉर्मल तो होगा नहीं क्योंकि ये तब आता है जब बॉडी किसी सर्फेस के कॉन्टैक्ट में हो, ये बॉडी किसी भी सर्फेस के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो नॉर्मल तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। फ्रिक्शन, जब सरफेस नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग पूरे फिगर में कहीं नहीं है, कोई एक्सटर्नल पुश और पुल नहीं है, चेकलिस्ट के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। ये हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम मान लो, ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है किसी स्टूडेंट ए का है, मतलब एक स्टूडेंट ने कहा कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है, एक दूसरा स्टूडेंट जो कहीं और से पढ़ के आया है, जो हम लोगों से नहीं पढ़ता मान लीजिए, या अपने हिसाब से चलता है, उसने कहा कि यार ये तो गलत हो गया, उसने कहा फोर्सेस में एम जी भी होगा, उसकी चेकलिस्ट में ना सेंट्रिपेटल फोर्स भी, एक्चुअली अभी जो पीछे समझाया था कि शुड बी एड सेंट्रिपेटल फोर्स टू द लिस्ट, तो उसको नहीं मालूम था, उसकी नो की जगह यस लिखा था उसकी किताब में, तो उसने कहा यार सेंट्रिपेटल फोर्स भी लगता है सर्कुलर मोशन में, हमने कहा शाबाश लगाओ, तो उसने कहा टी लगाएंगे एम जी लगाएंगे, हमने कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, उसने कहा सर एक सेंटर की तरफ ना एम बी स्क्वायर बाई आर भी लगता, तो उसने फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर एक और फोर्स दिखा दिया और कह दिया कि एम बी स्क्वायर बाई आर यहाँ पर लग रहा है। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम सही है, और यही चीज पीछे मैंने कही है कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक फोर्स डायग्राम का कॉमन मिस्टेक, टू ड्रॉ ऑल द यूजुअल फोर्सेस एंड देन टू एड अनदर वेक्टर कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, ये बड़ी मिस्टेक ब्लंडर है, एक तरीके से ब्लंडर कह दीजिए आप, अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना रहे हो तो ये ब्लंडर है आपके लिए, मतलब आपने नहीं पढ़ा है, या तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आई है या फिर सर्कुलर मोशन आपने कहीं गलत तरीके से पढ़ लिया है, ये गलत है, ये फ्री बॉय डायग्राम सही है। आपको फ्री बॉय डायग्राम में इनके अलावा कुछ नहीं दिखाना, कभी ना दिखाइएगा इसके अलावा कुछ मत दिखाओ, कभी भी एम वी स्क्वायर बाई आर को फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाएंगे, और कभी ये बोलेंगे भी नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता वक्ता कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नाम दिया हुआ है आपने, किसको किसको नाम दिया है सेंट्रीपिटल का, तो आंसर देखो अब, उस फोर्स को जो कॉज करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन है कि कौन कॉज करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, द फोर्स कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल, फिर तो मन में ये भी तो आएगा ना कि कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल को कॉज करेगा, तो उसका आंसर है वो वाला फोर्स जो सेंटर की तरफ है, सेंटर सीकिंग फोर्स सेंटर की तरफ, तो इस सर्किल के सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है इन दो फोर्सेस में, साइन थीटा, साइन थीटा,
हाँ तो टी को रिजोल्व कर दीजिए, तो टी को रिजोल्व करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि यार कोई ना कोई तो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो टी साइन थीटा जो है वो सेंटर की तरफ है, तो जो सेंटर की तरफ है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है दैट इज कॉजिंग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और उसका नाम है सेंट्रिपिटल। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, टी साइन थीटा जो आप ये कह रहे हो जो सेंटर की तरफ है, इसी को कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल। टी साइन थीटा को आप नाम दे दीजिए कि टी साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना नहीं होता आपको, और जो फोर्स सेंटर की तरफ है, जो फोर्स सेंटर की तरफ है जिसको आप सेंट्रिपिटल फोर्स का नाम दे रहे हैं, उसको ही इक्वल कर दो एम वी स्क्वायर बाय आर के, उसको एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल कर दीजिए, और दूसरा कंपोनेंट टी कॉस थीटा एम जी के बराबर करना है आपको, बस ये इक्वेशन से, ये बात समझ लो आप। स्टूडेंट बी वाली गलती आप ना करें, आप अपने आप को डिसाइड कर लें कि आप स्टूडेंट ए बनना चाहते हैं या स्टूडेंट बी बनना चाहते हैं। स्टूडेंट ए आप डिसाइड कर लो, और ये पन्ना आपको हमेशा हेल्प करेगा, जब कभी कंफ्यूजन आ जाए इस पेज को देख लो, बड़े लिमिटेड वर्ड्स में और कंप्लीट थ्योरी, और इस ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आप अपना रिविजन नोट्स बना सकते हो, 2 से 3 पन्ने में हर एक चैप्टर को रिवाइज किया जा रहा है, ये सब हटा दीजिए आप 2-3 पन्ने, ये जितनी लाइनें पहले से प्रिंटेड है आपके, पहले से ऑटो टाइप मतलब प्री टाइप्ड है, जो प्री टाइप्ड लाइन्स हैं बस इतना ही थ्योरी होती है सर्कुलर मोशन की, इतना ही रिव्यू नोट्स होना चाहिए आपका। रिव्यू नोट्स अगर इससे ज्यादा बन रहा तो फिर वो रिव्यू नोट्स नहीं है। अच्छा अब आंसर तो लाओ यार, आंसर है द ऑब्जेक्ट रिवॉल्व विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, आपको एक्सप्रेशन ऑफ वी निकालना है, मतलब इससे वी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो जरा ट्राई करो, क्योंकि इसमें आर भी है, अभी आर निकालना है तुम्हें, आर मतलब ये रेडियस फाइंड करना है, रेडियस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास एल साइन थीटा हो जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है प्रॉब्लम में, रेडियस दी नहीं गई है, ठीक है नहीं, तो आप रेडियस को एल के फॉर्म में ला सकते हो, हालांकि रेडियस को एल के फॉर्म में ले आओ आएगा, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, बेसिकली ये दोनों इक्वेशन से डिवाइड हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो फाइनली आंसर देखो क्या है, दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ हाँ टेन थीटा आएगा एक और एक साइन थीटा आएगा, मेरे ख्याल से वी की वैल्यू आएगी रूट ऑफ जी एल साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, क्लियर, यही आएगा बच्चे को बताना, साइन थीटा और टेन थीटा का प्रोडक्ट, यस सर, यस सर, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको, यस सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन से, अगर इस पेंडुलम को हम फास्ट रोटेट करें और फास्ट रोटेट करें, मतलब स्पीड बढ़ाओ आप, सपोज करो, देखिए इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं और वेरिएबल्स क्या क्या हैं। आप एक बार आपने स्ट्रिंग चूज कर लिया, एक बार स्ट्रिंग चूज कर लिया तो लेंथ तो बदल नहीं सकते आप, लेंथ एल तो आपकी फिक्स हो जाएगी फॉर गिवन स्पीड, फॉर अ गिवन स्ट्रिंग, फॉर द गिवन स्ट्रिंग। अब आप पॉइंट क्या है कि एंगल थीटा और स्पीड का आपस में कनेक्शन है, आप समझो इस बात को, यानी कि अगर इस कॉनिकल पेंडुलम को आप स्लो मोशन देते हो और कॉनिकल पेंडुलम को अगर आप फास्ट मोशन देते हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, स्लो मोशन फास्ट मोशन में, मतलब धीमे धीमे रिवॉल्व कराएं और तेजी से रिवॉल्व कराएं, स्लो मोशन का मतलब हुआ वी कम है, फास्ट मोशन का मतलब वी ज्यादा है, तो आप बताएंगे थीटा ज्यादा है या कम है इस केस में, और टेंशन फोर्स के बारे में क्या बताएंगे आप, टेंशन फोर्स के बारे में, स्लो मोशन करते वक्त टेंशन ज्यादा होगा या फास्ट मोशन करते वक्त टेंशन ज्यादा होगी,
स्लो मोशन में टेंशन कम होगा, सेम रहेगा, फास्ट में टेंशन ज्यादा। देखो अभी आती के बैच में, आती के बैच में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई कह रहा है सेम रहेगा, कोई कह रहा है ज्यादा रहेगा, इस तरीके तो कुछ कह ही नहीं सकते टेंशन के बारे में, क्या कह नहीं सकते 100% कहेंगे। सेकंड इक्वेशन से कहेंगे, सेकंड इक्वेशन में टेंशन बराबर mg cos थीटा है, क्या क्यों नहीं सकते? mg by cos थीटा होगा ना, हां मतलब mg by cos थीटा होगा, मतलब तो मैं देखो हम बोलते बोलते में mg by cos थीटा है। अब आप ये बताओ थीटा, जब थीटा की वैल्यू जब कम होती है तो ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यस yes, और cos थीटा जब ज्यादा होगा तो टेंशन फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहां पर थीटा की वैल्यू कम है वहां कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा है, वहां पर टेंशन की वैल्यू कम है, जहां स्पीड ज्यादा वहां थीटा ज्यादा, वहां टेंशन फोर्स भी ज्यादा। आ रही बात समझ में ये? यस यस सर। अब अगर जी, अब अगर आपसे कोई ये पूछे, देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि हर एक स्ट्रिंग के टेंशन की एक लिमिट होती है, मतलब क्या मोटी से मोटी रस्सी भी ले आओगे तो उसको आप तोड़ सकते हो, ब्रेक हो जाती है, मोटी से मोटी रस्सी भी ब्रेक होती है ना। लेकिन आप पढ़ते हो आइडियल स्ट्रिंग, तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आप चाहे जितनी मर्जी स्पीड पे चले जाओ रस्सी कभी टूटेगी नहीं, मतलब टेंशन फोर्स जो है चाहे जितना ज्यादा हो जाए रस्सी टूटेगी नहीं कभी आइडियल स्ट्रिंग में। तो अगर मैं पूछूं कि आप इसको कितना फास्ट, मतलब फास्ट मोशन की लिमिट क्या है, मतलब फास्ट में कितनी कितनी स्पीड तक जा सकते हैं, तो क्या कोई लिमिट होगी अगर आप आइडियल स्ट्रिंग मानते हो, कोनिकल पेंडुलम को रोटेट करने की कोई लिमिट होगी अगर ये मानते हो कि ये स्ट्रिंग परफेक्टली आइडियल है, और आइडियल स्ट्रिंग मतलब चाहे जितना ज्यादा टेंशन उसमें आ जाए वो टूटेगा कभी नहीं। तो इसका मतलब आइडियल स्ट्रिंग के टेंशन फोर्स की लिमिट इनफाइनाइट है, मतलब टेंशन जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू तक लग सकता है और तब तक भी स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। लेकिन टेंशन को इनफाइनाइट करने के लिए आपको कितनी स्पीड चाहिए होगी, जरा आंसर दें। अगर आप टेंशन इनफाइनाइट चाहते हो तो आप स्पीड कितनी करोगे, जीरो करोगे या, और रिलेशन सामने लिखा हुआ है यार कि जितना फास्ट मोशन होगा उतनी ज्यादा टेंशन फोर्स आएगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि टेंशन इन्फिनिटी आए, तो टेंशन इन्फिनिटी आने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो अगर आप ये चाहते हो कि टेंशन की वैल्यू इन्फिनिटी बने तो वो तब होगी जब डिनोमिनेटर में cos थीटा की वैल्यू को आप जीरो ले आओ, so 90 डिग्री, यानी थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है कि थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्या ये पॉसिबल है थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाए? नो सर। क्यों नहीं पॉसिबल है? सर क्योंकि सर एक तो टेंशन एक्ट करेगा और नीचे mg एक्ट करेगा, तो कभी भी परफेक्ट एक सर्कल में नहीं रह पाएगा 90 डिग्री के। पहली बात तो आप इनफाइनाइट टेंशन ला नहीं सकते, दूसरी बात आप इनफाइनाइट स्पीड नहीं ला सकते क्योंकि एक अल्टीमेट स्पीड होती है, अल्टीमेट स्पीड जानते हो किसको बोलते हैं आप, अल्टीमेट स्पीड में ये कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक 3×10⁻¹ मीटर पर सेकंड से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब रियल लाइफ में थीटा की वैल्यू कभी भी 90 नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर आप स्ट्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट बांध करके रिवॉल्व करेंगे तो ये हमेशा कुछ ना कुछ एंगल पर रहेगा, 90 डिग्री एंगल पर रिवॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि आपसे ये कह दें कि ग्रेविटी वहां नहीं है, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में कर सकते हो लेकिन वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखना है आपको, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक एग्जांपल ये है, तो कुछ लोगों को तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में, बट कोनिकल पेंडुलम का रियल लाइफ एग्जांपल ये है, बच्चों वाला झूला जो है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स में है कोनिकल पेंडुलम के, तो कुछ लोगों ने इसको कर रखा है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोनिकल पेंडुलम प्रैक्टिकली अगर जानना चाहते हो तो आप इसमें से किसी भी बच्चे को उठा ले, लाल पीले हरे वाले को, जिसको भी उठाना चाहे उठा लो। ठीक है, उठाने का मतलब इसको एम मास मान लेते हैं, चलो ये बच्चा ठीक लग रहा है। तो ये आप इसमें फोर्सेस दिखाओगे ना, अब एक काम करना है आपको, जब भी आपको फोर्सेस दिखानी है, ध्यान दीजिएगा फोर्सेस, तो आप अपनी यूजुअल फोर्सेस दिखाएं। मैंने फिर बोल दिया कि आपके फोर्सेस जब दिखाएंगे तो mg नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन स्प्रिंग और स्किप पुश और पुल के अलावा कुछ ना दिखाइएगा। mv² बाय अगर आप दिखा रहे हो तो आप स्टूडेंट b हैं,
और आप डिसाइड कर ले। तो हम यहाँ पर फोर्सेस जब दिखाएंगे तो फोर्सेस के नाम पर हम इस बॉय का एम जी दिखाएंगे, फोर्सेस के नाम पर। फिर हम इस बॉय में एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे रस्सी की वजह से, और हमारे चेकलिस्ट के हिसाब से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बॉय एयर में है, एयर में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ सकता, एयर में फ्रिक्शन नहीं आ सकता, एयर में स्प्रिंग का फोर्स नहीं आ सकता, और कोई उसको बाहर से धक्का नहीं दे रहा, बस ये दो फोर्सेस, यही फ्री बॉय डायग्राम है इसका। इसमें एम वी स्क्वायर बाय एयर ऐड रख दीजिएगा गलती से, बार बार कह रहा हूँ भाई आपको, मान लो मेरी बात। ये फ्री बॉय डायग्राम पूरा हो गया, अब आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं पर है, ये बेसिकली ऐसे रिवॉल्व करते हैं, बड़े बड़े सर्कल्स में रिवॉल्व करते हैं ये। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा ना, आप सिर्फ ये देख लो एम जी और टी, फिर से सेम क्वेश्चन है ये, एक बार देखा जाए तो सेम क्वेश्चन हुआ, टेंशन का कौन सा कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर जा रहा है यहाँ पर, विच कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर, साइन थीटा। हाँ, तो इसको आप एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कर दीजिएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और आर की जगह पर ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इसके हिसाब से यहाँ पर एल साइन थीटा लेंथ आएगी, और प्लस अगर मैं इस 8 मीटर को उसके बाद ये डिस्टेंस आएगी 2.5 इनटू साइन थीटा भी आ जाएगा, बस बस ये, और टी कॉस थीटा बराबर एम जी, इस तरीके से इक्वेशंस करते जाइए आप। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देख लो आप, इसमें डबल कोन है, मतलब ये भी कोनिकल पेंडुलम ही है लेकिन इसमें दो स्ट्रिंग्स हैं। मूव करो जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, आप प्रैक्टिस करेंगे सर। अविग्ना बता रहे हैं, बच्चा अविग्ना बता रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन। हाँ जी बताओ। मैं बस एक छोटी सी बात बता दी सर, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी मतलब आर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी हम लोग की कम हो जाएगी। देखो यहाँ देखो ना आप, यहाँ देखो अब मेरे से नहीं, हम तो पूरा डिस्कशन करके बैठते हैं यहाँ पर। एक बार बताइए, जो आर है वो एल साइन थीटा है, ठीक? हाँ सर। तो स्पीड ज्यादा होने पर थीटा ज्यादा है, थीटा ज्यादा होने का मतलब आर ज्यादा है, तो ज्यादा स्पीड ज्यादा रेडियस, कम स्पीड कम रेडियस। नहीं सर, एक मिनट, पिछली स्लाइड में आइए, इससे पिछली वाली, इसमें ना, नहीं सर पीछे पीछे। इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, सर आपने यही पे एक चीज बताई थी। बच्चा देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली होता क्या है यार, यहाँ पर पर्सनली मैसेज कर दें, ठीक है? बस वैसे तुमको हिंट कर दे रहा हूँ, ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन में जिस फोर्स की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ रहा, वो फोर्स भी आर का फंक्शन है, जीएम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है वहां पर। Okay. इसको देखो, फ्री बॉय डायग्राम बनाए, बस आप फ्री बॉय डायग्राम बनाओ, आपका आंसर पूरा है भाई। इसमें स्पीड निकालनी है कि कितनी स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है, ये क्वेश्चन है ना, स्पीड निकालनी है, और ये दो स्ट्रिंग्स हैं, आप इसको स्ट्रिंग नंबर वन मान लो और स्ट्रिंग नंबर टू मान लें, बस आप अपना फ्री बॉय डायग्राम सही रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, चेकलिस्ट तैयार रखिए, चेकलिस्ट में एम जी टी नॉर्मल फ्रिक्शन स्प्रिंग और कोई पर्सन की वजह से एक्सटर्नल बॉडी को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो ये बार बार इस चीज को रखो आप, इस चेकलिस्ट को चिपका लो। न्यूटन लॉ का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, इनके अलावा कोई फोर्स कभी दिखना नहीं चाहिए आपको। तो इस चेकलिस्ट के हिसाब से जल्दी जल्दी से ड्रा करते हैं, जल्दी से। एम जी डाउनवर्ड, स्ट्रिंग वन में टेंशन फोर्स टी वन, स्ट्रिंग टू में टेंशन फोर्स टी टू, मान लेते हैं ये थीटा वन एंगल और यहाँ थीटा टू एंगल, और ये एंगल आपको निकल जाएंगे मैथ से क्योंकि सब लेंथ वगैरह दे रखी है, लेंथ वेंथ दे रखी है, तो आप एंगल वैंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लीजिएगा। हाँ जी सुमी, एंगल मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए आपको, टू मीटर और थ्री मीटर, साइन लॉ लगा के आते हैं। हाँ, एंगल आपको निकालना है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैथ का पोर्सन हो गया वो, मैं सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, मेरा फ्री बॉय डायग्राम कंप्लीट हो गया, मुझे क्या इसमें कुछ और ऐड करना है, बोलो। चेकलिस्ट के हिसाब से एम जी हो गया, टी हो गया, नॉर्मल और फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पर क्योंकि बॉडी हवा में है, एयर में है, सब हो गया, एमसी कंपोनेंट्स के जाए। बस एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं दिखाना है, फिर से बोल दे रहा हूँ। यस सर, बस वो गलती नहीं करनी। अब क्या करना है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है,
सेंटर की तरफ। फ्री बॉय डायग्राम दिखाने के बाद T1, T2 और MG में कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ जा रहा है यहाँ पर? कंपोनेंट्स और एक्चुअली ये थीटा वन थीटा टू बराबर होंगे अगर आप ध्यान दो तो जो भी फोर्स आपका सेंटर की तरफ है, जो भी फोर्स टुवर्ड सेंटर, बस आप उसको और क्या कर दो आप इसको, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ है इसी का नाम सेंट्रिपिटल है और इसीलिए एम बी स्क्वायर बाय आर। आप आर को भी कैलकुलेट करोगे लेंथ के फॉर्म में, आर ये रेडियस है तो ये सब कैसे निकल, अब वो छोड़ देगा ये बच्चों करने दो, आप सब लोग अपने अपने हिसाब से करिए, स्पून फीडिंग हो जाएगी ना फिर यार। तो स्पून फीडिंग T1 का ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट होगा जो कि T1 cos थीटा होगा, T2 का एक नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा T2 cos थीटा और MG नीचे की तरफ, तो T1 cos थीटा बैलेंस करेगा T2 cos थीटा और प्लस MG को, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसमें थीटा और R आपको, ये आपका प्रॉब्लम हो गया थीटा और R, और वो मैं बस इतनी हिंट करूंगा जरूर कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने, ठीक है, इतनी हिंट जरूर करेंगे। इस ट्रायंगल में ये 3 मीटर की साइड है, ये 2 मीटर की साइड है और ये 2 मीटर की साइड है, तो ये एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैथ की एक साइन रूल और कोसाइन रूल होते हैं, यस सर, तो आप वो लगा सकते हो। और yes, ये डिस्टेंस आर निकालने के लिए क्या करना है वो देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह कुछ लगाओ, yes, जो भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो तो सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आप इसमें इक्वेशंस बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, How fast the car can turn? आंसर देते हैं इसका यार, चेकलिस्ट तो यार रखो, कभी गलती नहीं होगी, बार बार लिख जरूर रहा हूं मैं, मेहनत बार बार कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब आप बताओ इस चेकलिस्ट के हिसाब से बताओ कार के ऊपर कौन सा फोर्स है, मान लीजिए नॉर्मल, ये कार जिस रेडियस में टर्न कर रहा है वो आर है और इसकी टर्निंग स्पीड वी है, ठीक है ना, तो आप चेकलिस्ट देख के बता दो, आप आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नॉर्मल और एमजी, नॉर्मल एमजी नॉर्मल हो गया, एमजी हो गया, ठीक, एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर, एमजी नॉर्मल, टेंशन तो होगा नहीं क्योंकि रस्सी नहीं है कोई यहाँ पर, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा। एक मिनट, पुश और पुल बाय पर्सन है क्या, कोई पर्सन इस गाड़ी को धक्का दे रहा है? No, sir. तो बचा क्या सिर्फ फ्रिक्शन, तो उसको सेंटर की तरफ आना ही पड़ेगा, अदरवाइज मोशन सर्कुलर हो ही नहीं सकता, yes, sir. हो ही नहीं सकता, क्यों? स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ जो लिखा था, इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज नीडेड, आपकी चेकलिस्ट में जितने फोर्स हैं उनमें से फ्रिक्शन के अलावा और कोई सेंटर की तरफ जा ही नहीं सकता। आई बात समझ में आपको? Yes. चेकलिस्ट कैसे फायदा दे रही है आपको? आपको फोर्सेस में कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी कि यार मैंने फोर्स गलत दिखाया, कम दिखाया, ज्यादा दिखाया, चेकलिस्ट के हिसाब से दिखा रहे हो, परफेक्ट डायग्राम है ये। नॉर्मल एमजी किसी भी कंडीशन में आपका सेंटर की तरफ जा ही नहीं सकते, और थ्योरी क्या कह रही है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन, अगर फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, अगर मान लो कोई फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, फिर ये वाला केस हो गया, रस्सी टूटने वाला, फिर बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन कर जाएगी। यानी कि अगर यहां फ्रिक्शन ना होता ना तो ये कार मुड़ती नहीं, ये सीधे वाली रोड पर निकल जाती हाईवे पे। बात समझ में आपको? सर, इसमें फ्रिक्शन जैसे सेंटर की टुवर्ड्स लग रहा है, तो थोड़ा फ्रिक्शन मतलब थोड़ा क्या, मतलब पीछे भी लगेगा, मतलब अलोंग द साइड रोड के अलोंग? जी नहीं, क्योंकि कार नॉर्मल ड्राइविंग करती है, मैंने ड्राइविंग और वॉकिंग के बारे में कहा था कि आप नॉर्मल वॉकिंग में स्लिप नहीं करते हो,
वॉकिंग में और स्लिप करने में फर्क है. आप कभी कभी चलते समय फिसल जाते हो, तो चलना और फिसलना अलग बात है. ऐसे ही कार के केस में कार की ड्राइविंग और कार की स्केटिंग अलग है. मतलब हम ये मान के चल रहे कि जब आप टर्न कर रहे हो तो टर्न विदाउट स्लिप और विदाउट स्किड है, बिना फिसले और स्किड किए चल रहे हो आप नॉर्मल. तो ऐसे में आप सिर्फ फ्रिक्शन को सेंट्रिपेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे. कुछ लोग के मन में आता है कि जो मोशन है उसके अपोजिट फ्रिक्शन क्यों नहीं दिखा रहे. मतलब कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट क्यों नहीं आ रहा, ये आता है मन में डाउट. तो ये अभी आपको पीछे एक साइकिल का एग्जांपल लेके समझाया था मैंने, फ्रिक्शन इज नाइस थिंग, एक लेक्चर समझाया था आपको कि ये रोलिंग के क्वेश्चंस होते हैं. सर हल्का सा बता देंगे फ्रिक्शन अंदर की तरफ क्यों लग रहा है? हम तो लॉज के बेसिस पे कह रहे हैं, सिर्फ लॉज के बेसिस पर, हम और कुछ कह ही नहीं रहे आपको. मैं आपसे भी यही बोल रहा हूँ और कई बार बोल चुका हूँ कि चेकलिस्ट में इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है. आप लॉजिक समझो पहले मेरा, चेकलिस्ट में इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं. और बार बार कहा जा रहा है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए. आप बिना सेंटर की तरफ फोर्स के या कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर नहीं सकती. अब आप जब ये दोनों बातें आपको जस्टिफाई करनी है तो क्या क्या और क्या बन सकता है? अच्छा, इसके अलावा और क्या केसेस माइंड में आ रहे हैं वो बताओ मुझे, तो मैं उसको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता. देखो क्या हो सकता है उसका एक मतलब है सर. हाँ, पूछो. मेरा मतलब है कि सर फ्रिक्शन सेंटर में कैसे लग रहा है सर, हल्का सा बता दीजिए सर. नहीं तो हम ये तो पूछ रहे हैं कि सेंटर में नहीं लग रहा, आपके मन में ये आ रहा है कि सेंटर की तरफ क्यों लग रहा है, तो उसका रीजन ये है. देखो अच्छा, उसका रीजन ये है. अगर उसका रीजन चाहते हो तो आप फ्रिक्शन से नहीं, आप इससे समझो. ये बताओ अगर ये रस्सी टूट गई तो इस बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है? देखो ना, बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है? ये ऐसे जा रही, स्ट्रेट लाइन जा रही है, लीनियर हुआ जा रहा है. एक मिनट, और अगर ये स्ट्रिंग रहती तो किधर जाती? अगर ये स्ट्रिंग होती तो ये बॉडी यहाँ आई होती. तो बॉडी की टेंडेंसी क्या सर्कल से बाहर जाने की नहीं है? अगर रस्सी टूट जाए तो उसकी टेंडेंसी सर्कल से बाहर जाने की नहीं हो गई? हाँ सर, हो गई. कि अगर वो रस्सी ब्रेक ना करती तो मोशन सर्कल पे हुआ होता, यानी यहाँ आए होते. रस्सी टूट गई तो आपका मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो गया. इसका मतलब अंदर वाला फोर्स डिसअपियर होने पर, अंदर वाला फोर्स अगर ना लगे, अगर सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे, तो आप सर्कल सर्कल के सेंटर से बाहर जा रहे हो. मोशन जो है वो सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है. यस सर. तो फ्रिक्शन इसी को तो अपोज करता है भाई, कि अगर फ्रिक्शन नहीं लगता अगर फ्रिक्शन नहीं लगता यहाँ पर सुनो आप, अगर फ्रिक्शन ना लगता तो ये कार सर्कुलर मोशन नहीं करती, ये सेंटर से बाहर की तरफ स्किड करती, इधर स्किड कर जाती सेंटर से बाहर की तरफ. स्लिपरी सरफेस होता तो, अगर स्लिपरी सरफेस होता तो ये कार बाहर फिसल जाती. उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है. और इसीलिए गाड़ियां हमेशा बाहर की तरफ फिसलती हैं. कभी भी अगर आप टर्निंग करें और वहां पर पानी ज्यादा हो और अचानक से मुड़ जाओ, तो टर्निंग हमेशा रोड के बाहर के साइड होती है. ऑलवेज स्किड आप हमेशा बाहर करते, फिसलते हमेशा बाहर हो. कभी बाइक से करके देखा? हाँ सर, नहीं सर, फनी फिल्म्स में देखा था. हाँ, अब इक्वेशंस क्या बनाएंगे इसकी? अब इक्वेशंस क्या बनाएंगे? देखो, नॉर्मल ने बैलेंस किया mg को, और फ्रिक्शन जो सेंटर की तरफ है उसको कर दिया m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. खत्म हो गई इक्वेशंस. अब हाउ फास्ट द कार कैन टर्न में ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो म्यू के एन, म्यू एस, म्यू एस एन, म्यू एस एन. तो फ्रिक्शन कंसीडर किया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है भाई साहब जब आप चलते हो ना. तो मैंने पहले भी बोला यार, वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन है. अच्छा हाँ सर. आप हम लोग क्या होता ना कंफ्यूज हमेशा इस बात में है कि वॉकिंग और ड्राइविंग को आप स्लाइडिंग से कंपेयर कर रहे हो. आप एक अलमारी को घर में, एक अलमीरा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, तो अलमीरा जो है वो फर्श को रगड़ते हुए जाता है ना. यस सर. आपके घरों में बक्से बक्से हैं, ट्रंक बरंक है कि नहीं है? अलमारी सर, बेड बेड होगा, तो बेड को जब खिसकाते हो तो क्या फर्श खराब नहीं होती है? सर होती है. तो और क्या हमारे चलने से भी होती है? हमारे चलने से क्या फर्श में रगड़ खाते हैं हम लोग? सर इतना नहीं खाते.
नहीं इतना क्या बिल्कुल नहीं खाते यार, बिल्कुल नहीं होता। तो हम वॉक कर रहे हैं लेकिन हम सरफेस को रगड़ नहीं रहे, इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन वहां आता है जब बॉडी स्लाइड करे और सरफेस को रगड़ते हुए चली जाए, रब करते हुए उसको रबिंग हो। तो वॉकिंग और ड्राइविंग में रबिंग नहीं होती है। हाँ, अगर गाड़ी पे आप अचानक से ब्रेक मार दो और टायर फिसलता हुआ चला जाए तब टायर के निशान आ जाते हैं रोड के ऊपर। कोई गाड़ी अगर स्किड कर गई हो ना तो उस स्किड करी हुई गाड़ी के निशान आप रोड पे देख सकते हो, मतलब प्योर रोटेशन होता है। जी हाँ, तो एक्चुअली हम इन लोग के सबके माइंड में कंफ्यूजन ये है कि फ्रिक्शन को वेलोसिटी के अपोजिट क्यों नहीं दिखा रहे। तो मैं इसीलिए पहले का लेक्चर रिपीट करा रहा हूँ, आप वॉक करने वाले और ड्राइव करने वाले क्वेश्चंस में जरा अलर्ट रहिएगा, वॉकिंग में और ड्राइविंग में अलर्ट रहिएगा। अगर आप बिना स्किड और बिना स्लिप किए हुए चल रहे हो या ड्राइव कर रहे हो तो आप ये वाला कंसेप्ट माइंड से हटाओ पहले तो, कि वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन आएगा। इस कंसेप्ट को तो हटा दीजिए पहले, ये एक बड़ा, ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है कि वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि फिर किधर आएगा, अगर वेलोसिटी के अपोजिट नहीं आ रहा फिर किधर आएगा। यही क्वेश्चन उठता है आपका कि अगर वेलोसिटी के अपोजिट नहीं है तो फिर किधर है। चलो मैं इसके आंसर देने के लिए ना एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके सामने, आपका डाउट और क्लियर कर दे रहे हैं, आपका डाउट बिल्कुल अच्छी तरीके से आज क्लियर कर दे रहे हैं कि फ्रिक्शन किधर की तरफ आएगा। तो ये टॉपिक रह गया था वैसे भी, पहले बता दे रहे हैं आपको, लेकिन इस स्टेटमेंट को ध्यान से लिख लो भाई, कहीं बार बार लिख लो कि वॉकिंग एंड ड्राइविंग, वॉकिंग एंड ड्राइविंग है ना, वॉकिंग एंड ड्राइविंग डिफरेंट है, मतलब दे आर डिफरेंट केसेस। देखो जैसे कि अगर हम मान लें कि यहाँ पर एक व्हील है ना, कोई व्हील है सपोज करो, और ये व्हील ऊपर की तरफ चल रही है, ये व्हील ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, लेकिन आपको पता है कि व्हील रोल करती है, स्लाइड नहीं करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि व्हील में दो तरीके के मोशन होते हैं, व्हील का सेंटर पॉइंट आगे की तरफ चलता है और इसका साथ साथ रोटेशन भी हो रहा होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ठीक है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, मान लो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं पूछूं कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं आपसे, अगर आप ईमानदारी से इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप इन दो न्यूमेरिकल्स को गलत नहीं करोगे। आप वॉकिंग एंड ड्राइविंग के न्यूमेरिकल्स आपके कभी गलत नहीं होंगे। मेरी कंडीशंस क्या है कि वॉक करते समय और ड्राइव करते समय नो स्लिप कंडीशंस हैं आपकी, फिसल नहीं रहे आप। ऐसे केसेस में मैं आपसे कह रहा हूं, नंबर वन, फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक। नंबर टू, फ्रिक्शन कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड म्यू एस एन, मतलब आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। और नंबर थ्री, फाइंड फ्रिक्शन यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आप अपना लॉजिक ना लगाएं, आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएं। कैसे, आप सुनो, इस बात को ध्यान रखना, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप, ये नोट कर लीजिएगा, तो वॉकिंग और ड्राइविंग के न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे आपके। तो ये व्हील है, ड्राइव करने का केस है, ऊपर की तरफ जा रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। आप इसमें फोर्सेस बताओ कौन कौन से लग रहे होंगे। चलो आप फ्रिक्शन छोड़ करके बता दो, फ्रिक्शन के अलावा क्या फोर्स लग रहे होंगे ये बता दीजिए। mg को रिजॉल्व कर लेते हैं, मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहे हो, mg sin थीटा, ठीक, mg sin थीटा हो गया, इधर mg cos थीटा हो गया, mg cos थीटा नॉर्मल हो गया। अब आता है नंबर फ्रिक्शन का, इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं, नहीं सर, फ्रिक्शन का। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि बॉडी का मोशन ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है तो फ्रिक्शन नीचे होना चाहिए, ये लॉजिक ही गलत है। स्लाइडिंग बॉडीज कौन सी है आपके घर में, स्लाइड करने वाली बॉडी कौन सी है, अलमीरा, बेड, टेबल, जिसको खिसकाते हो, हाँ, अगर नीचे पहिए लगे हैं तो वो रोलिंग हो गया, वो नहीं लगे। अरे तुम्हारे घर में नहीं लगे, सबके घर में तो होंगे, कुछ कोई घरों में होते हैं भाई, कुछ घरों में बेड में भी पहिए लगे होते हैं, वो उसी कमरे में बेड लेकर के घुमा करते हैं। फ्रिज वाले में व्हील्स होते हैं, फ्रिज वाले में, तो वहाँ रोल हो गया। तो सुनिएगा, इसमें इसमें पहले तो ये कंसेप्ट माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन आएगा, ये कंसेप्ट ही हटा दो।
ये कंसेप्ट अगर आप वॉकिंग और ड्राइविंग में लगा रहे तो 100% ब्लंडर हो गया फिर से। ये वही वाला ब्लंडर है कि आप एमबी स्क्वायर बाय आर दिखा रहे हो। क्या करिए, न्यूटन लॉ पे आई ना, न्यूटन लॉ के तीन लॉ हैं प्यारे से, उन तीन प्यारे लॉ में से आप फर्स्ट लॉ पढ़ो, दुनिया की कोई भी बॉडी अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है इसका क्या मतलब है? नो एक्सीलरेशन, सारी फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेगी। तो फिर mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे जा रहे हो, एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब बैलेंस होने चाहिए ना सारे फोर्स में। इसका मतलब लॉजिकल तरीके से चलना पड़ेगा आपको, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट तो हट गया, वो तो डिस्कार्ड कर दो आप कि फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है, वो लाइन चली गई। अब वो लाइन, वो स्टेटमेंट वॉकिंग एंड ड्राइविंग में काम ही नहीं करता अनलेस कि आप स्लिप ना कर रहे हो। वॉकिंग ड्राइविंग में फ्रिक्शन इज नेवर अगेंस्ट वेलोसिटी, बात खत्म। इस लाइन को जिंदगी भर याद रखिए। तो फिर किधर होगा आंसर है, जहां जहां न्यूटन कहेंगे वहां होगा। तो न्यूटन क्या कहते हैं कि आप बॉडी का मोशन देखो, बॉडी का मोशन देखो कि वो रेस्ट पे है कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे है कि एक्सेलरेट कर रही है, ये देखो आप उसका। डाउन द प्लेन आ रही बॉडी, मान लो डाउन द प्लेन, जी बॉडी डाउन द प्लेन आ रही है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मोशन नीचे हो रहा है और ये ऐसे रोटेट भी कर रही है। तो अब आप इसमें फोर्सेस दिखाओ ना, फोर्सेस में क्या, फिर से mg sin थीटा, और इसमें भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, मान लो ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, mg sin थीटा, mg cos थीटा और नॉर्मल। अब बताओ फ्रिक्शन कितना दिखाते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो? सर डाउन द प्लेन है, डाउन द प्लेन। अरे पगला रहे हो क्या तुम लोग, फ्रिक्शन वेलोसिटी बैलेंस कौन करेगा? अब द प्लेन होगा आपकी बात भाई, लॉजिक न्यूटन लॉ लगाइए, न्यूटन लॉ मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन ना देखिए आप ये देखिए कि न्यूटन लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या फोर्सेस बैलेंस है हमारे पास? नहीं सर नहीं, ये तो कब बैलेंस होंगे, फ्रिक्शन को कहाँ दिखा दे, ऊपर, इसीलिए अब द प्लेन, यहाँ भी अब द प्लेन, यहाँ भी अब द प्लेन, जबकि एक केस में बॉडी इनक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रही है और एक में नीचे आ रही है, लेकिन दोनों में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है। लॉजिक ही अलग है ना, फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट वाली बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। बात हो, इसको कांटेक्ट में रखना चाह रहा है, कांटेक्ट में तो रखना ही चाह रहा है, वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एक्ट कर रहा है। यस सर, फिर बैलेंस करने के लिए ऊपर हो जाएगा, टेंडेंसी अगेंस्ट, बिल्कुल। ये लॉजिक समझ में आपको पूरा अच्छे तरीके से यार? तो यही कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हो यार आप, ये लॉजिक तो हटाई दें कि वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन होगा, ये लॉजिक तो दिमाग से निकाल दीजिए पहले कि वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन होगा, ये दिमाग से हट गया। अब आया फिर कहाँ होगा, तो मैंने कहा फिर तो न्यूटन लॉ होगा। तो न्यूटन लॉ क्या कह रहा है, न्यूटन लॉ सर्कुलर मोशन के लिए क्या कहता है? न्यूटन लॉ सर्कुलर मोशन के लिए ये कहता है कि इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल अ फोर्स टुवर्ड सेंटर इज नीडेड। आप इस लाइन को न्यूटन लॉ सर्कुलर मोशन का मान सकते हो, न्यूटन का फोर्थ लॉ मान सकते हो, सर्कुलर मोशन के लिए अलग से एक लाइन लिख दी उन्होंने। और मैं कह रहा हूं इसी लॉ को यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट दिखाना नहीं है, वो बैन है, वेलोसिटी के अपोजिट दिखा नहीं सकते क्योंकि ड्राइविंग का केस है, तो ड्राइविंग में वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन दिखा नहीं सकते, तो किधर दिखाए, न्यूटन लॉ से दिखाएंगे। न्यूटन लॉ के हिसाब से अ फोर्स इज नीडेड टुवर्ड सेंटर, एन और एम जी सेंटर की तरफ जा नहीं सकते, तो बचा सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ होगा और वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर भी हो जाएगा। आया बात समझ में आती थी कि डाउट है कोई? अच्छा, तो अब mv square by r equal to mu s, मतलब maximum value, तो आप यहाँ पर velocity की maximum value लिख लीजिए equals to mu s और normal की जगह put कर दो आप mg, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप how fast you can turn, मतलब बिना skid किए। वैसे तो आप चाहे जितनी मर्जी स्पीड से 250 मीटर 250 की स्पीड पे टर्न करो, कौन मना कर रहा है? root 2 mu s g r। मतलब देखो सुनो, ये किस चीज की मैक्सिमम स्पीड है टर्निंग विदाउट स्किडिंग की, मैं फिर बोल रहा हूँ। वैसे आप चाहे आपकी कार है और आपकी बॉडी है, आप जितनी मर्जी स्पीड से टर्न करना चाहते हैं कर जाइए, हमको क्या करना है, कार जाके बढ़ जाएगी यहाँ पर बाहर की तरफ और टॉपल भी कर जाएगी, ज्यादा स्पीड पे चलोगे तो पलट भी जाएगी गाड़ी। तो बिना पलटे बिना फिसले अगर गाड़ी को टर्न करना चाहते हैं
तो फिर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड कहलाती है। मैं इस क्वेश्चन को ना एक बार और आपको सब डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से समझना इसको, आपको ये पॉइंट बिल्कुल पकड़ना है, अच्छी तरीके से पकड़ना है, क्योंकि लोग वापस आओ इसमें अंदर क्या हो रहा है। मान लो सपोज ये जो कार का ड्राइवर है इसको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, तो ये अपनी स्पीड टर्न भी कर रहा है, ठीक है ना, ये टर्न भी कर रहा है, लेकिन टर्न करने के साथ साथ इसकी स्पीड इंक्रीज भी हो रही है, मतलब कि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। सोचो मतलब एक्सेलरेटर पे पैर रख करके गाड़ी मोड़ी जा रही है, आप इमेजिन करो ऐसा ड्राइवर है, एक्सेलरेटर पे पैर लगा करके और तब कह रहा है कि हम आज गाड़ी मोड़ेंगे, टर्न करेंगे। सो बताओ क्या होना चाहिए, मतलब इट इज टर्निंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड, मान लो जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब आपसे कहा जाए कि फोर्सेस दिखाओ किधर होंगे, किधर फोर्सेस दिखाओगे, हाँ जी खतरों खिलाड़ी वाला केस है, ठीक है, रोहित शेट्टी, तो रोहित शेट्टी वाले टाइप है भाई, एक तो गाड़ी पहले से ही 100 की स्पीड पर, ऊपर से एक्सेलेटर दबा दिया और ऊपर से सर्किल में मुड़ रहे हैं, सोचो तीन काम एक साथ, इनका क्या होगा भगवान जाने। आ जाने यार, देखिए इसमें फोर्सेस, अभी आप इसमें देखो क्या होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ जाएगा, मैं पहले आपको यहां दिखाता रहा फोर्सेस इस डायग्राम में, नॉर्मल ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, ये दो फोर्सेस आएंगी, तो मतलब आप यहां पर दिखा देते हैं एम जी और नॉर्मल, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, ठीक, ये दो फोर्सेस हो गए। बचा क्या आपके पास चेकलिस्ट के हिसाब से, क्या बचा है अभी चेकलिस्ट के हिसाब से, क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। सबसे आसान तरीका है न्यूटन लॉ को हैंडल करने का कि आप अपनी चेकलिस्ट में ढूंढो ना कि यार क्या कुछ रह गया, तो टिक एंड क्रॉस करते जाओ, सिर्फ एक बचा फ्रिक्शन ही बचा है, एक ही फोर्स बचा आपके पास, और न्यूटन लॉ को अब इसमें इसमें न्यूटन लॉ चलेगा क्योंकि ड्राइविंग का केस है, वेलोसिटी वाला केस दिखना नहीं, ड्राइविंग का केस है, तो आप न्यूटन लॉ से पूछो कि भैया इस कार की एक्सेलरेशन किधर है, तो क्या इस कार की एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है या टेंजेंट की तरफ है या दोनों के बीच में है कहीं, इसमें दोनों है, बीच में रिजल्टेंट है, दोनों है, क्यों, रिजल्टेंट आएगा, स्पीड बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टर्न कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम कह रहे हैं न्यूटन लॉ लगाएंगे ना यार, न्यूटन लॉ के हिसाब से क्या हुआ फिर केस, न्यूटन लॉ के हिसाब से ये गाड़ी जब ऐसे टर्न करेगी, ऐसे मान ले ऐसे अगर आप इसको टर्निंग पे दिखा रहे हो, तो नॉर्मल एमजी तो ऊपर दिखा दिया आपने, सेंटर इसका यहाँ कहीं पर है, तो आप क्या दिखाओगे, फ्रिक्शन को टुवर्ड्स सेंटर दिखा दें या टुवर्ड्स टेंजेंट दिखा दें, सो द रिजल्टेंट के टुवर्ड्स, रिजल्टेंट के टुवर्ड्स, ये काम तो करना नहीं, देखो एक काम तो नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, ये काम कभी मत करना कि वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन, ये जिसने कहा वो फिर वही बी वाला स्टूडेंट है, ये काम ड्राइविंग में नहीं चलता, तो ड्राइविंग में क्या चलता है बता देना आपको, ड्राइविंग में चलता है न्यूटन लॉ, तो पता लगाओ इसकी एक्सेलरेशन किधर है, पता लगाते इस बॉडी में एक्सेलरेशन किधर है, तो मालूम चला कि सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रिपिटल और स्पीड बढ़ने की वजह से टेंजेंशियल दोनों है, तो जब दोनों है तो इसका टोटल एक्सेलरेशन तो इधर हुआ फिर, और जिधर टोटल एक्सेलरेशन है वही फ्रिक्शन है, क्योंकि और कोई फोर्स बचा ही नहीं है मेरे पास चेकलिस्ट में, इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, तो मैं किसको दिखा दूं, एक्सेलरेशन तो किसी फोर्स की वजह से ही आ सकता है, और सिर्फ फ्रिक्शन बचा है मेरे पास चेकलिस्ट के हिसाब से, और कोई फोर्स का जबरदस्ती टेंशन दिखा दे, जबरदस्ती स्प्रिंग लगा दे वहां पर, तो जो एक्सेलरेशन है उसके पीछे फोर्स होना चाहिए, फोर्स हमको मालूम चल गया, अपना आंसर आ गया, रिजल्टेंट आ गया, यानी कि इस बार जो फ्रिक्शन दिखाओगे, इस बार इक्वेशन तुम्हारी क्या बनेंगी, नॉर्मल इक्वल टू एम जी इक्वेशन वन, एंड द फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन विच इज द टोटल एक्सेलरेशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल, इसके लिए फिर आपको काइनेमेटिक्स का लेक्चर देखना पड़ेगा, एंड फ्रिक्शन बराबर मास इनटू स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, उसका स्क्वायर और टेंजेंशियल को वैसे छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, और ये भी फ्रिक्शन स्टैटिक है, नो स्लिप कंडीशंस में ड्राइव करने के पर हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, नो स्लिप कंडीशंस में, मतलब ये मान के चलो कि एक्सेलरेट करने के बाद भी गाड़ी फिसल नहीं रही है, सोचो कितना परफेक्ट ड्राइवर होगा वो, टर्निंग स्पीड एक्सेलरेटर
और फिर भी गाड़ी फिसली नहीं। अब आई बात समझ में कि ड्राइविंग में फ्रिक्शन कैसे देखना है? सर एक रिक्वेस्ट, एक बार सर डायग्राम में दिखा दीजिए फोर्सेस प्लीज सर। वो डायग्राम में बन नहीं रहा ना एक्चुअली यार, ये डायग्राम एक्चुअली क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम है कि अगर हम कॉपी करते जब इसको यहाँ दिखा देते, चलो अच्छा यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर दिखा दीजिए। कॉपीड डायग्राम में क्या होता है ना, इसकी कुछ प्रॉब्लम है कि कॉपीड डायग्राम में उसके ऊपर कुछ आप लिख नहीं सकते हो, ओरिजिनल कॉपी पर लिख सकते हो, डुप्लीकेट पे नहीं। चलो देखो इसमें हम दिखाएंगे तो इसमें नॉर्मल दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, एमजी डाउनवर्ड रोड के नीचे मतलब गड्ढे में जाएगा, और दो लाइनें मैं यहाँ पर पहले तो आपको वैसे दिखा दूं। पहले तो आपको यहाँ पर सेंटर की लाइन दिखा देते हैं, सेंटर की लाइन ये है इधर, ये लाइन जो है रेड कलर से जो लाइन दिखा रहे हैं ना वो सेंटर है, भले क्योंकि वेलोसिटी भी रेड कलर से दिखाई है तो इसको भी ये सेंटर है, और वेलोसिटी वाली लाइन हमारी टेंजेंट है ना ऐसे जान। अब आप टेंजेंट रेडियस के थ्रू समझना जो सिर्फ मोशन कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, फ्रिक्शन जब दिखाओगे इसमें तो फ्रिक्शन इन दोनों के बिल्कुल बीच में दिखाना है आपको, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कहीं फ्रिक्शन जाएगा ऐसे इधर की तरफ, वो टुवर्ड सेंटर नहीं होगा इसमें, फ्रिक्शन इधर की तरफ होगा। एक्चुअली क्या होगा, अगर आप दूसरे वे में समझना चाहते हो तो आप ये कह दोगे कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। तो एक्चुअली फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा ये एम वी स्क्वायर वाई आर हो जाएगा सेंट्रिपिटल वाला, और जो कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग है वो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा एम ए। आ गया समझ में? अभी नहीं आ रहा? यस सर आ गया। भाई इसमें आप दो डायरेक्शंस में एक्सेलरेट कर रहे हो ना, न्यूटन लॉ एक ही बात समझाना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन का कॉज होता है फोर्स यार। अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होना चाहिए उधर, जिधर एक्सेलरेशन है उधर फोर्स होना तो चाहिए, लेकिन हम फोर्स लाएंगे कहां से, इन इस चेकलिस्ट में से ही तो लाओगे फोर्स। बॉडी जिधर एक्सेलरेट कर रही है उधर फोर्स होना चाहिए, ये न्यूटन कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि यार हमारे पास यही फोर्सेस है, इनमें से ही किसी को ला सकते हैं, तो इनमें फ्रिक्शन ही दिख रहा है मेरे को, और कोई दिख ही नहीं रहा, और कोई जा ही नहीं सकता उस तरफ, उनकी डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है टेंजेंट की तरफ, उनकी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है सेंटर की तरफ, तो जिसकी पॉसिबल है उसको एडजस्ट करो, और वैसे भी फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टेबल कहा गया है, कहते ही होते सर। फ्रिक्शन एग्जैक्टली बिटवीन होना है कि मतलब बस सेंटर की टुवर्ड्स नहीं होना है और इनके बीच में होना है? थीटा एंगल पर होगा, वो थीटा निकालेंगे भाई, टेन थीटा निकालना होगा। हाँ मतलब कोई सा भी हो सकता है ना सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए रोलर कोस्टर पे आओ, जल्दी जल्दी मूव करें यार। चलो जी एक बार इसकी ड्राइव कर ले जरा। इसमें क्या होता है, दो तरीके के कर्व होते हैं, है ना, कंसेप्ट पकड़िए बच्चा, कंसेप्ट पकड़ो, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल चूज किए, लेकिन इस तरीके से ये दो तरीके के कर्व है, ठीक है, और ये लाल कलर से जो है वो रोलर कोस्टर की कार है वो मूव कर रही है, मान लो इसका मास एम है पैसेंजर्स को लेकर के, सब कुछ लेकर के, तो जब ये ए पॉइंट पर जाएगा तो फोर्सेस क्या लगेंगे, अगेन फ्रॉम द चेकलिस्ट, अगेन फ्रॉम द चेकलिस्ट, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बताओ क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे यहाँ पर? सर नॉर्मल एमजी और नॉर्मल फ्रिक्शन स्प्रिंग। अब इसको वैसे लिखना नहीं चाहिए, मैंने हर बार लिखा है, लेकिन अब आप समझ, टोटल छह है हमारे लिस्ट में, छह ही फोर्स हैं, एमजी तो कभी जाएगा नहीं उस लिस्ट में से, तो ऐसा फोर्स है जो हमेशा लगता है, तो एमजी यहाँ पर भी, एमजी यहाँ पर भी नॉर्मल लगेगा, क्योंकि आप किसी रोड पे चलोगे तो बिना नॉर्मल के तो चल नहीं सकते। और कोई फोर्स है बताओ, चेकलिस्ट देखते जाओ। हाँ अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि ये कार कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कौन से, मैंने वैसे भी आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाना था मेरे को, वो तो बीच में मैंने, यानी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, तो आप नॉर्मल नहीं, तो अब क्या फ्रिक्शन दिखाएं, किधर दिखाएंगे फ्रिक्शन, अच्छा बताओ किधर दिखा दें फ्रिक्शन, पॉइंट पॉइंट ए पर, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, एक और बात ध्यान रखना, अगर फ्रिक्शन आप दिखा रहे हो तो इस बात को भी ध्यान रखना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते यहां पे, तो अब नॉर्मल के परपेंडिकुलर फ्रिक्शन दिखाओ, तो राइट साइड दिखाओगे या लेफ्ट साइड दिखाओगे, अब जब राइट और लेफ्ट दिखाओगे तो उसको बैलेंस कौन करेगा? तो कुछ नहीं, आप अपने दिल से मत पूछना, बता रहे हैं मतलब, आप इसमें ये मत समझना कि यार मेरे मन से कुछ आ रहा है, मन से नहीं चलेगा आपके,
आपको इस लिस्ट में से ढूंढ के बताओ कि इस लिस्ट में से ऐसा कौन सा फोर्स होगा जो फ्रिक्शन को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो अगर आपने नॉर्मल के परपेंडिकुलर फ्रिक्शन दिखाया तो या तो राइट दिखाओगे या लेफ्ट दिखाओगे, कोई एक काम करोगे। तो उसको बैलेंस इस लिस्ट में से कौन करेगा, इस लिस्ट में से कौन सी फोर्स आकर के बैलेंस करेगी उसको? है कोई फोर्स? कोई नहीं कर, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो उदास कहां हो रहे हो? क्या तो फ्रिक्शन नहीं है इसमें, से सेंटिमेंट्स में जाने की क्या जरूरत है? नहीं है फ्रिक्शन तो नहीं है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता क्या? कभी स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जीरो भी तो हो सकता है सर। मतलब इस ए पॉइंट को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट पे फ्रिक्शन हो सकता है, बाकी पॉइंट पर? ये वाला केस है, अप द प्लेन डाउन द रोलर कोस्टर, इसी में नहीं है? आधे कहीं पर ऊपर चढ़ते हो, कहीं नीचे आते हो। यस सर। तो फिर यही होगा, जहां पर ये डाउन द प्लेन आएंगे वहां भी फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, जहां पर चढ़ाई करोगे वहां पर भी फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। यही तो केस हुआ। ये इसमें इतना सरप्राइज, यानी चढ़ाई का मिडिल पॉइंट जो होता है उसमें। हाँ, आप इतना उदास क्यों हो जाते हो फ्रिक्शन जीरो आने पे? आप उदास क्यों हो जाते हो? मेरे समझ में नहीं आता कि फ्रिक्शन जीरो हो सकता है भाई। यस सर, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, जीरो उसकी मिनिमम वैल्यू है। यस सर। और ड्राइविंग में स्टैटिक लगता है? नहीं दिया, आप समझ लीजिए अधूरा सा लगता है, मतलब जीरो आने पे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। बी पॉइंट पर भी फ्रिक्शन नहीं होगा? यस सर, यहां भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन की लॉ गलत करके आप कोई काम नहीं कर सकते। आप जो भी करेंगे न्यूटन लॉ सेटिस्फाई रहना चाहिए। चलिए जी, अब इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगा। और कुछ नहीं बनेगा, ये फोर्सेस पूरे हो गए, एन ए और एन बी हो गए, अब कोई फोर्स नहीं बचा हमारे पास। चेकलिस्ट के हिसाब से कुछ बचा नहीं, इसका मतलब हम सब सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब बताओ पॉइंट ए पर सेंटर की तरफ कौन है भाई? फोर्स टुवर्ड सेंटर, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। लेकिन अब क्या है कि एक फोर्स सेंटर से बाहर भी है, तो आप इसका रिजल्टेंट कर दें, Na माइनस mg लिख दीजिएगा टोटल, क्योंकि Na टुवर्ड सेंटर है और mg अवे, मतलब आपको रिजल्टेंट देना पड़ेगा, फोर्स टुवर्ड्स ऑब्लिग अवे, दोनों को मिला लो आप, टुवर्ड्स और अवे मिला करके, जो टुवर्ड्स है वो प्लस कर दीजिए, जो अवे है वो माइनस कर दीजिए। तो Na माइनस mg, अब इसको बराबर कर देंगे mv स्क्वायर बाई r के, खत्म। r रेडियस a वाले पॉइंट पे रखेंगे। ऐसे ही अगर आपको b पॉइंट पे देखना है, तो B पॉइंट पर टुवर्ड्स और अवे देखिए, टुवर्ड्स कौन है और अवे कौन है सेंटर की तरफ? टुवर्ड्स माइनस सर, एम माइनस एमजी इक्वल टू एमजी स्क्वायर बाय एमजी स्क्वायर बाय एमवी स्क्वायर बाय आरबी। इसका मतलब कहां पर नॉर्मल ज्यादा है, ए पर या बी पर? ए पर, ए पर ज्यादा, ए पर सर। नॉर्मल एट ए बराबर एमजी प्लस एमवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरए, और नॉर्मल एट बी बराबर यहां से आ जाएगा नॉर्मल जी माइनस एमवी स्क्वायर बाय आरबी, एमजी माइनस एमवी स्क्वायर बाय आरबी। तो आप एक में एमजी माइनस है, एक में एमजी प्लस है, मतलब पॉइंट ए पर नॉर्मल एमजी से बड़ा है और पॉइंट बी पर जाकर के नॉर्मल की वैल्यू एमजी से कम हो जाती, छोटी हो जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि एट बी मैक्सिमम स्पीड क्या रख सकते हो आप, मैक्सिमम स्पीड In order to remain on the track, on path. आप अपने पाथ को छोड़ रहे थे, मतलब ऐसा ना हो कि गाड़ी बी पॉइंट पर उछल के हवा में चली जाए। So, MG से कम. मतलब बेसिकली ये होना चाहिए कि NB पॉजिटिव होना चाहिए। ग्राउंड के टच में आप तभी रह सकते हो, कोई बॉडी ग्राउंड के टच में तभी रह सकती है जब नॉर्मल उस पॉइंट पर पॉजिटिव रहे, क्योंकि जीरो नॉर्मल का मतलब होता है इससे ज्यादा स्पीड पर गए तो बी पॉइंट पर आप हवा में उछल जाओगे और आगे का जर्नी प्रोजेक्टाइल हो जाएगा इंस्टेड की सर्कुलर। तो देखो ये मैं फिर यहाँ पर ये हाईलाइट करना चाह रहा है कि अगर फोर्सेस टुवर्ड्स और अवे दोनों है ना, तो जो टुवर्ड्स है उनको प्लस कर देना, जो अवे है वो माइनस। टुवर्ड्स और अवे किससे टुवर्ड्स और अवे किसके? सेंटर के। हाँ, बाद में ये मत कहना कि सर आपने सेंटर तो बोला ही नहीं था, हम तो कुछ और समझ गए थे। बैंकिंग ऑफ रोड ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है चेकलिस्ट के हिसाब से, बताइए क्या। और ये रोड फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये रोड बिल्कुल स्मूथ रोड है,
बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है इसमें। चेकलिस्ट के हिसाब से एक नॉर्मल है, बुक का डायग्राम है, तो इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से बनाऊं पहले तो। मैं इसको अपने डायग्राम से बनाता हूँ, ये यहाँ पर अपने हिसाब से ये नॉर्मल है, इधर बेसिकली ब्लू कलर से जो दिखा रखा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है, ठीक है। बुक के डायग्राम से एक्चुअली हम इसलिए देते हैं कि डायग्राम बनाने का टाइम मेरा बच जाए और थोड़ा स्पीड बढ़े मेरी एम जी, ये रीजन है मेरा बुक से डायग्राम को कॉपी करने का। हाँ जी सहगल जी, चलान तो होगा नहीं, नेम प्लेट छुपा दी गई है यार देखो। क्या इसके अलावा क्या फोर्स दिखाओगे? चेकलिस्ट अब मैं फिर लिखूंगा नहीं, लेकिन आप बार बार समझ लीजिए, एमजी दिखा दिया, नॉर्मल दिखा दिया, रस्सी कुछ है नहीं, टेंशन होगा नहीं, स्प्रिंग है नहीं, भी नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं है, बात खत्म। ये नहीं फोर्स, ये मेरा डायग्राम पूरा हो गया इसका मतलब, मतलब आपका डायग्राम 100% सही है। इसके बाद सिर्फ एक काम करना, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है। तो ये रोड वैसे सर्कुलर फॉर्म में है, ऐसे टर्न कर रही है गाड़ी, ठीक है जी। इसका सेंटर यहाँ कहीं पर है। अब आप मुझे कुछ नहीं बोलना, आप अपने आप देख लो टुवर्ड सेंटर कौन है। सर एन का कंपोनेंट, एन का कंपोनेंट होएगा सर, बस एनएक्स वाला ना, मतलब नॉर्मल का जो एक्स कंपोनेंट है। यस सर। तो आप कितना होगा, देखो ये एंगल थीटा है इंक्लाइंड वाला, ये एंगल थीटा है, आप ये प्रूफ करना है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना नॉर्मल का वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा, इसको आपको प्रूफ करना, ये भी थीटा है। तो जो वाई कंपोनेंट है वो एन कॉस थीटा हो जाता है, और एक्स कंपोनेंट जो है वो एन साइन थीटा, और एन साइन थीटा ही टुवर्ड सेंटर है। तो जो टुवर्ड सेंटर उसको एम वी आर लिखना पड़ेगा आपको, ये आपका न्यूटन लॉ कहता है। और जो सेंटर की तरफ नहीं है वो किसी न किसी और से लड़ भड़कर बैलेंस हो जाएगा, यानी एम जी, काम खत्म। डिवाइड कर दो, v बराबर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, बात खत्म। ये इसकी स्पीड है, यानी आपको इस बैंक रोड पर इतनी ही स्पीड पर चलना पड़ेगा, इससे ज्यादा स्पीड से आप नहीं चल सकते। मजे की बात क्या है कि जो स्पीड लिमिट है, एक तरीके से ये स्पीड लिमिट कह दीजिए, ये स्पीड लिमिट कार के मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, कि कार हैवी है या कार लाइट है। नहीं सर, ये सर नहीं कर रहा। कभी आपने रोडों पे देखा, रोडों पे स्पीड लिमिट होती है, कभी हाईवे पे जाइए तो स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे होते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। यस सर। तो कभी लिखा होता है कि होंडा इतने से जाएगी, मर्सिडीज इतने से जाएगी, बीएमडब्ल्यू इतने से जाएगी। नहीं सर, कार का मास तो लिखा नहीं होता कि इतने किलो की कार की स्पीड लिमिट 100 है, इतने किलो की कार की स्पीड लिमिट 80 है, इतने किलो की व्हीकल तो मेंशन कर ही देते हैं ना, स्टैंडर्ड व्हीकल मेंशन करा जाता है। व्हीकल मेंशन करना दूसरा रीजन है, वो बेसिकली टॉपलिंग का कांसेप्ट है, मॉर्निंग क्लास में डिस्कस हुआ था कि टायर कितने दूर है, टायर की हाइट कितनी है, कार और ट्रक कितने टायर है सर। जैसे आपने स्पोर्ट्स कार वाला, एक कैटेगरी में, हां एक कैटेगरी में आओ ना, एक कैटेगरी में आओ, कार के कैटेगरी में आओ, तो कार के कैटेगरी में थोड़ी बोलते हैं कि कार के ब्रांड के हिसाब से होगा। यस सर। तो फिर इसका मतलब टर्निंग स्पीड जो होती है, क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है, कार के मास पे डिपेंड नहीं करता वो। आगे बात समझ में आपको ये? यस यस सर। और इसी में अगर फ्रिक्शन हुआ तो क्या करेंगे, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट तो ये पहले को पहला केस है कि फ्रिक्शन नहीं है तो, इफ फ्रिक्शन एब्सेंट है तो का केस है, फ्रिक्शन एब्सेंस होने केस में ये आंसर है। और अगर फ्रिक्शन है तो क्या करेंगे, तो फिर आपकी चेकलिस्ट में अगर फ्रिक्शन है तो चेकलिस्ट में एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको। अगर फ्रिक्शन है तो वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो चेकलिस्ट में था हमारे, तो हमको उसको दिखाएंगे। किधर दिखाएंगे सर? ऊपर की साइड। फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिपेंड करता है सर कि वो तेज जा रहा है कि। यस सर। फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही करें, फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो जब आपने नॉर्मल ऐसे दिखा रखा है तो फ्रिक्शन तो आप उसके 90 डिग्री पे दिखाओ ना, ऐसे नॉर्मल दिखाया तुमने, तो फ्रिक्शन इसके परपेंडिकुलर दिखाएंगे आप। जब उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है एक्चुअली, नॉर्मल के परपेंडिकुलरली आप फ्रिक्शन को दो तरफ दिखा सकते हो, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। इसीलिए दो केसेस बनते हैं, फ्रिक्शन को हम ऊपर दिखा रहे हैं, ये हमारा केस वन है। मान लीजिए एक केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ दिखा सकते हो, एक केस में फ्रिक्शन नीचे की तरफ। और अब आप देखो कि टुवर्ड्स सेंटर कौन है, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम सेंटर देखिए। तो नॉर्मल के कंपोनेंट हो गए, नॉर्मल के कंपोनेंट में एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा आए। देखिए एक बार, नॉर्मल के कंपोनेंट करने से एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, जल्दी से इसको समझे, टाइम ज्यादा हो रहा है। और
फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट होंगे। फ्रिक्शन के जब आप कंपोनेंट करेंगे तो फ्रिक्शन का राइट साइड डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक अप साइड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन के। वो कंपोनेंट आप एंगल के बेस पर अपने आप करना। राइट साइड कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन का एंड कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ कॉस थीटा, और अप साइड कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि कैसे कॉस और साइन आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो एन साइन थीटा सेंटर की तरफ है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, और एफ कॉस थीटा अवे फ्रॉम सेंटर है। तो मैंने कहा जो टुवर्ड्स है वो पॉजिटिव, जो अवे है वो माइनस। इक्वेशन क्या बन गई, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और उसके अलावा दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी, एन कॉस थीटा ऊपर है और एफ साइन थीटा ऊपर है, तो एन कॉस थीटा अपसाइड एफ साइन थीटा अपसाइड दोनों मिल गए और बैलेंस कर दिया एम जी को। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग केस में, यानी कि क्रिटिकल केस में, लिमिटिंग केस में। लिमिटिंग केस का मतलब होता है जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाए। तो लिमिटिंग केस जब होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एल, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ड्राइव करते वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हो। और ध्यान रखना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करने पर आपको स्पीड की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये स्टेप आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। अगला स्टेप क्या करना है आपको, फ्रिक्शन जहां लिखा है यहां पर और यहां पर, ये दो जगहों पे, इसको रिप्लेस कर देना। इसको रिप्लेस करके वहां म्यू एस इंटू एन कर देना, है ना। मतलब कि ये इक्वेशन बोल रहा हूँ, एन साइन थीटा माइनस एफ, उसको हटा देंगे, उसकी जगह लिख देंगे म्यू एस एन कॉस थीटा, और इसको बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर, ये कर देंगे। और दूसरी इक्वेशन में एन कॉस थीटा प्लस एफ की जगह म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी कर देंगे, और फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये एन 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 सारे कैंसिल कर जाएंगे और आपको वी की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्यों मिलेगी, क्योंकि जब आप माइनस साइन के बाद मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हो, नेगेटिव साइन के बाद, माइनस के बाद अगर आप मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हो तो इक्वल टू के बाद आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और दूसरा केस कौन सा होगा इसमें, ये तो एक केस हुआ फ्रिक्शन होने पर। दो पॉसिबिलिटी है कि फ्रिक्शन ऊपर, फ्रिक्शन अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो अगर अगर फ्रिक्शन सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ हो गया, तो ये जो एफ कॉस थीटा अवे फ्रॉम सेंटर है टुवर्ड सेंटर हो जाएगा, टुवर्ड सेंटर हो जाएगा, तो यहां माइनस पॉजिटिव छोड़ दे रहे हैं इसको, कर ले यहां प्लस कर लीजिएगा, कर लेंगे अपने आप, कर लोगे आप, समझ गए। तो मेरे ख्याल से लॉजिक पकड़ लोगे तो जी सर, जी लेकिन करिएगा जरूर, एनसीईआरटी में डेरिवेशन है इसकी, एनसीईआरटी में है डेरिवेशन। ओके, तो इतने हैं। इसके बाद ये एक गर्ल इन द रोटर का एग्जांपल है, बस लास्ट है। इस लड़की को बचाना है यार, सिलेंडर में घूम रही है, पहली बात तो गई क्यों, बेस भी गिर जाएगा। हाँ मतलब बेसलेस है, तो पहली बात तो ये उससे पूछो कि तुम वहां गई कैसे, और अब उसकी हालत देखो, दीवार से चिपकी हुई है बिल्कुल। नहीं सर, क्वेश्चन में था कि जाने के बाद जब घूमने लगा तो गिर गया नीचे। हाँ मतलब किसी ने वो सिलेंडर का ढक्कन नीचे से हटा दिया, अब उसकी, अब उस लड़की की जान, उस लड़की की जान सूख गई है कि अब मेरा क्या होगा, सोचो ना आप। तो देख रहे हो कैसे अपना हाथ जो है बिल्कुल सिलेंडर के वॉल से चिपका के, सेल्फी का भूत, अब सर फिजिक्स का सहारा लेगी, फिजिक्स का सहारा लेगी अब। तो अब इसमें सेल्फी कहाँ से लेगी, वो स्पाइडरमैन नहीं बचा, स्पाइडर वुमन कहो इसको, स्पाइडरमैन तो ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, फोर्स देखो जल्दी जल्दी, है ना, सेम स्टेप फॉलो करिएगा। चेकलिस्ट एम जी, चेकलिस्ट नॉर्मल टुवर्ड सेंटर, लड़की रस्सी से बंधी तो है नहीं कहीं पर कि टेंशन लगेगा, नहीं सर नहीं। तो ये नॉर्मल एम जी के अलावा क्या बचा आपके पास अब, फ्रिक्शन। चेकलिस्ट के हिसाब से, चेकलिस्ट में छह हैं, छह में से दो हो गए, टेंशन है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, कोई और आदमी आकर के धक्का वक्का नहीं दे रहा इसको, बचा खाली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर, बस खत्म हो गया फोर्सेस पूरे। सेंटर की तरफ कौन है इसमें, नॉर्मल नॉर्मल
तो एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन यहाँ पर एक कहानी और है, सर्किल काइनेमेटिक्स में वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वो पुट करना है आपको, और उससे ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एम ओमेगा स्क्वायर आर में, और दूसरी फ्रिक्शन एम जी को बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन बराबर एम जी दूसरी, और तीसरा फ्रिक्शन शुड बी लेस देन म्यू एस नॉर्मल, सो एम जी शुड बी लेस देन म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम एम कैंसिल, यानी ओमेगा शुड बी मोर देन इक्वल टू रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय म्यू एस आर, यानी कि एक सर्टन वैल्यू से फास्ट घूमना पड़ेगा आपको, ज्यादा स्लो मोशन किया तो लड़की नीचे गिर जाएगी, तो अगर उसको जिंदा रखना है तो आपको इस सिलेंडर को बहुत तेज घुमाना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन की तरीके से घुमाइए इसको। सो जो हमने ये रिजल्ट दिया है इनर्शियल फ्रेम के उसमें, हाँ, इसीलिए मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन में जो अंदर सब्जी वब्जी और धनिया के पत्ती और लहसुन लहसुन डालते हो उसके वॉल से चिपक जाते हैं, चिपक करके घूमते हैं उससे, क्योंकि वो बहुत फास्ट घूमते हैं। अगर लड़की भी चिपकी हुई है ना सर उससे सिलेंडर से, तो सर वो उसी को घुमा, उसको धनिया मान लो, धनिया जैसी है तो वैसे मान लो यार, क्या दिक्कत है सर, उसको चक्कर नहीं आ रहे होंगे अभी, तो उससे पूछो यार भाई, मदद कर दो ये तो पहुंच भी जाएंगे। चलो ठीक है जी, अब इस कंसेप्ट को बच्चा आप देखना यार, बहुत से एग्जांपल कराए हैं, लेकिन प्लीज इस नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, और अपना स्कूल लेवल का जो सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट कर लो आप, मतलब उतना उतना हो गया। नोट्स अभी भेज दीजिएगा। हाँ वो तो हम भेज, नोट्स में कुछ है, थोड़े क्वेश्चंस हैं। यस सर, वही मतलब तो